की सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। कैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, बाग उजार सिंधु महाबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, ला समान लंक जर गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई। अब लंब के कारण स्वामी, कृपा करो और अंतर जामी, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होए दुख हर हो निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरत भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभु दासी उबारो, ओंकार ओंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिम 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 हनुमंत कपीश, ओम हुम 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 हनु हरि हरुषीसा, सत्य हो हरि सत्य पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा, पूजा जप तब ने में अचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम रे बल हम डर पत नाही, पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब की गोरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, वदन कराल काल गुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर, इने मार तो ही शपत राम की, राघनाथ भर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपत विलंब न लावो, जय 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 धुनि होत अकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण करि जोर मनावो, यही अवसर अब कही को राव, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाय परो कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम हाक देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परानि खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबार। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। भूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हेलो 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 हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान। हेलो 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 हाँ जी, हो गई बातें। चलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? मस्त मौज बहार, कैसी चल रही है लाइफ? जिंदगी जी रहे हो काट रहे हो? हैं काट रहे हो? है? है? जी रहे हो? अब तो तुम प्रोफेशनल में आ गए हो, अब तो ये बोला करो सर अब तो जिंदगी जी रहे हैं, बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम सीएस बने, डिग्री हमारे हाथ में आए। ओ माय गॉड। चलो जी एक बार मेरे को फटाफट से लाइव वाले बच्चे पहले थोड़ा सा बता दें, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? गुड मॉर्निंग हर्षिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अशी, गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग दीपेश, वेरी गुड मॉर्निंग जी। एक बार ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में टेलीग्राम पे भी डाल दे। चलो मैं डालता हूं। एक बार मेरे को फटाफट से बताओ यार, क्या मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रही है? आपको सही आ रही है मेरी ऑडियो? मस्त एकदम, और मेरी आवाज भी सही आ रही है, मैं दिख भी सही रहा हूं बिल्कुल? चलो बहुत बढ़िया जी। तो बस अभी दो मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। एक बार मेरे को लाइव वाले बच्चे प्लीज बता दें जी, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रही है? तो हम अपनी क्लास हम स्टार्ट करें। यस सर, आपकी आवाज हमें बिल्कुल सही आ रही है। चलो बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, तो फाइनली प्रोफेशनल का पहला दिन, पहली क्लास है आज। मतलब एक क्लास तो हो चुकी है अरुण सर की, ठीक है जी। अब आज हमारी सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पेपर जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रुप नंबर 2 का पेपर नंबर, जो आपका सेकंड पेपर है सीआर का,
और एक पेपर आईबीसी का है, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आई थिंक आप में से काफी सारे बच्चों ने शायद मुझे देखा हो या मुझसे क्लासेस भी ली हो, बट वहां पर मैंने पढ़ाया था आपको टैक्स, ठीक है। जिस शिद्दत से हमने टैक्स पढ़ा था उसे डबल शिद्दत से हम ये पेपर लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब ये लगा लो क्योंकि ये पेपर जो है ये आपकी लाइफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पेपर है, इसका रीजन है क्योंकि ये पेपर आपको सीएस में ही पढ़ाया जाता है, ना ये सीए के अंदर है ना ये सीएमए के अंदर है। और ये पेपर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीआर एंड आईबीसी का ना, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रीजन क्या है, क्योंकि आईबीसी आप सब जानते हो बड़ी बड़ी कंपनी है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जब भी लोन लेती है डिफॉल्ट होते हैं, आज स्टार्टअप्स हैं कई डिफॉल्ट हो रहे हैं। अब जितने भी डिफॉल्ट हो रहे हैं तो वो सारे के सारे नॉर्मली केसेस कहां पे जाते हैं, आईबीसी। अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आईबीसी के अंदर सीएस का एक बहुत बड़ा रोल है। इवन आर बिग फोर सीए फर्म भी इसके अंदर काम बहुत बड़ा काम देती है सीएस को। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि चाहे पेपर सीआर की बात करूंगा चाहे आईबीसी की बात करूंगा, ये दोनों आपकी फ्यूचर है। तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ना कि हमें पेपर क्लियर करने हैं, हमें इस तरह से पढ़ना है कि अगर फ्यूचर में कोई हमसे कंसल्टेंसी भी मांगे या इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन अगर हमारे सामने भी आता है तो हमें समझ में कि वहां पे लिखा क्या होगा, ठीक है। तो इस वे में लेके चलना, ये मत कहना कि सर एग्जाम क्लियर करने, एग्जाम तो ऑटोमेटिकली हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा हमारा टारगेट ये भी है कि आगे जब भी हम कहीं पर जॉब करें वहां पर आईबीसी या अगर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें होंगी हमारे दिमाग में प्रोविजन क्लिक करे कि हमने क्लास में कुछ पढ़ा था जी, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, तो आज की क्लास हमारी एक बार बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब होपफुली आज की क्लास के एंड तक हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार पूरा बेस क्लियर कर दूंगा कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर के अंदर क्या क्या बातें हमें पढ़ने को मिलेंगी। अब एक बार यहां पे चेक करते हैं जो आपका न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में आई थिंक ये तो पता लग गया होगा कि आपके टोटल दो ग्रुप हैं और टोटल कितने पेपर हैं जी, सात, और मेरे ख्याल से अब तो वो याद भी हो गए होंगे, ठीक है ना। एक बार मेरे को फटाफट से बस ये एक बार बता दो थोड़ा सा, एक तो ग्रुप नंबर वन है और एक ग्रुप नंबर टू है। ग्रुप नंबर वन में कितने पेपर हैं आपके, चार, और ग्रुप नंबर टू में कितने पेपर हैं, तीन। अब ग्रुप नंबर वन में जो हमारे चार पेपर हैं, एक तो पेपर नंबर वन उसका नाम क्या है, ईएसडी, अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बनेगा वो, ईएसडी। सेकंड पेपर फिर वहां पे कौन सा निकल के आ रहा है, ड्राफ्टिंग। देन थर्ड कौन सा निकल के आ रहा है, डीडी का। और फोर्थ आपका फिर आपका इलेक्टिव पेपर होगा, जो भी आप लोगे में भी सीएसआर लोगे या जो भी आपके ऊपर है, मेरे अकॉर्डिंग सीएसआर बेस्ट है तो पेपर नंबर फोर सीएसआर का। ऐसे ही जो ग्रुप नंबर टू, अब जो आज हमें मेनली स्टार्ट करना है, इसमें मेन तीन पेपर निकल के आ रहे हैं। एक पेपर तो अभी आपको अरुण सर ने क्लास दी है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो पूरा का पूरा 100 नंबर का है। आई थिंक इसमें 40 नंबर वाला पोर्शन शायद आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पहले भी पढ़ा होगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, आपको अभी अभी पढ़ने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है पूरा नया है, आई थिंक आपको उसके अंदर आईसीडीआर होगा, कुछ बातें आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो इसके अंदर निकल के आ रहा है। बट ये पेपर जो है पेपर नंबर सिक्स जो भी हमें डिस्कस करना है एंड पेपर नंबर सेवन। अब पेपर नंबर सिक्स जो हमें डिस्कस करना है, एक बार पेपर का नाम बोलना क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड आईबीसी। अब इसके नाम से ही लग रहा होगा इस पेपर में ना तीन पार्ट है, मतलब पहली बात तो समझिए इस पेपर में तीन पार्ट हमें डिस्कस करने हैं। पहला पार्ट हमें डिस्कस करना है दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है वैल्यूएशन का, और थर्ड पार्ट हमें डिस्कस करना है इंसॉल्वेंसी का जी। अब इस तीन पार्ट्स को इन्होंने बाइफरकेट कैसे की है, जो हमारा ये वाला टॉपिक है सीआर का, इसकी वेटेज जो है इन्होंने 40 मार्क्स की दी है कि ये वाला पोर्शन जो है वो 40 नंबर का है, और देन 20 मार्क्स का फिर हमारे वैल्यूएशन है, और फिर हमारे 40 नंबर का पेपर जो है वो हमारा है इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप का, ये 40 नंबर का टॉपिक है जी, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद यहां पे चेक करो, अब जो आपका इलेक्टिव है, इलेक्टिव में ऑब्वियस सी बात है हम आईबीसी की बात यहां पे करके चलेंगे, तो आईबीसी जो है वहां पे पूरा का पूरा कितने नंबर का है, 100। अब सुनो ध्यान से, अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो 300 में से ना 140 नंबर का कंटेंट तो पहली बात आईबीसी का है। मतलब आप ये मान लो कि अगर 300 नंबर का हमें ग्रुप टू पढ़ना है तो 300 में से 140 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर है, वो हमारा है इनसोल्वेंसी। तो आप इससे समझ सकते हो कि इनसोल्वेंसी की वैल्यू किस लेवल पर है और फ्यूचर हमारा किस लेवल पे है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अगर पेपर कोई 100 नंबर का डाला है और 40 नंबर का ऊपर भी डाला है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में स्कोप तो होगा। और अभी मैं आपको लेटेस्ट केस दिखाऊंगा, कल का ही है, आई थिंक आपने नाम सुना होगा रिलायंस कैपिटल का। अब रिलायंस कैपिटल के अगेंस्ट आरबीआई ने केस फाइल किया था सन 2021 में इनसोल्वेंसी का, और कल ही फाइनली वो कंपनी अब बिकने जा रही है। अभी मैं आपको यहां पे न्यूज दिखाऊंगा, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डेली बेस पे न्यूज आ रही है,
कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, इस कंपनी का इंसॉल्वेंसी में केस चल रहा है, अब उस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व हमें कैसे करना है, ये सारी की सारी बातें 140 मार्क्स के अंदर है। ठीक है जी, तो 40 नंबर का जो हमारा आईबीसी है, यहां पर इलेक्टिव जो है वो हमारा 100 नंबर का आईबीसी है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या 40 नंबर का आईबीसी और 100 नंबर का आईबीसी क्या सेम है? आंसर इज नो, इसके अंदर बहुत फर्क है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा, एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं पहले इंसॉल्वेंसी की, सिंपल सी बात पूछता हूं, इंसॉल्वेंसी का मतलब तुम्हें क्या लगता है? इंसॉल्वेंसी मीन्स क्या, मतलब वैसे ही नॉर्मल इंसॉल्वेंसी वर्ड से तुम्हें क्या फील आ रही है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होगा जी? जी मतलब अगर हमारी लाइबिलिटीज हमारी एसेट से ज्यादा होती हैं तो उसको हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। चलो और कुछ इंसॉल्वेंसी का मतलब और क्या निकल के आ सकता है जी? नॉट एबल टू पे, कि हम पे करने के एबल नहीं रहे। अच्छा एक बात मेरे को बताना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए लिए, अब आपने कहा भाई मैं तेको ना 1000 रुपए चुका दूंगा इस दिन चुका दूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगले महीने की 15 तारीख तक मैं तेको 1000 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। अब अगले महीने की 15 तारीख आ गई, वो पैसा ड्यू हो गया, बट आप उसको पेमेंट करने के अनेबल हो गए, आपने कहा अब मैं ये पे नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गए? आंसर इज यस। इंसॉल्वेंसी का मतलब समझो, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी पर्सन अपना डेट पे करने के अनेबल हो जाएगा, और वो डेट पे करने के अनेबल होगा जो ड्यू एंड पेबल है। बहुत ध्यान सुना मैंने क्या बोला, जो डेट अभी ड्यू ही नहीं हुआ, जो डेट अभी पेबल ही नहीं है, अगर मैं उसको ना पे करने की बात करूंगा तो वो इंसॉल्वेंसी नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा मैं तुम्हें अगले महीने की 15 तारीख को मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा तुम्हारे, अब 10 तारीख को मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, 15 तारीख से पहले क्या मैं इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा? आंसर इज नो। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ऐसी स्टेट या ऐसी कोई भी अवस्था जिसमें आप डेट पे करना था, वो डेट आपका ड्यू हो चुका था एंड वो पेबल हो चुका था, और अगर उसको पे करने के आप अनेबल हो जाते हो, उस केस में वो इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अब मेरा पूरी क्लास से लाइव वाले बच्चों से भी आपसे भी एक क्वेश्चन है, सोच के बोला, इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कौन कौन कवर हो सकता है? क्या सिर्फ कंपनीज कवर हो सकती हैं, इंडिविजुअल कवर हो सकते हैं, पार्टनरशिप कवर हो सकते हैं, मतलब इंसॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है बताओ? क्या एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो सकता है? यस या नो? यस हो सकता है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है? यस हो सकती है। क्या एक LLP इंसॉल्वेंट हो सकती है? यस हो सकती है। क्या एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो पैसा लेगा अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो वो इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये समझो कि इंसॉल्वेंसी में कोई भी कवर हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी इंसॉल्वेंसी में कवर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कंपनी है, व्हाटएवर, कोई भी है, इंसॉल्वेंट तो कोई भी हो सकता है ना। तो इंसॉल्वेंसी में ऐसा नहीं कि इंसॉल्वेंसी में सिर्फ कंपनी कवर होगी, इंसॉल्वेंसी में व्हाटएवर, मैं भी इंसॉल्वेंट हो सकता हूं, एक पार्टनरशिप फर्म है वो भी इंसॉल्वेंट हो सकती है, एक कंपनी अगर डेट पे नहीं करेगी तो वो भी इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि हमारे सिलेबस में क्या है, कि क्या हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपनी की इंसॉल्वेंसी है? अगर मान लो कंपनी डेट पे करने के एनेबल हो गई, उसकी इंसॉल्वेंसी को हम रिजोल्व कैसे करेंगे? क्या हमें सिलेबस के अंदर वो पढ़ना है? या अगर एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व हमें कैसे करना है, या वो भी हमें पढ़ना है? आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जी, यहां पे एक ये देखो जी, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू देखना, ये मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको बस एक पॉइंट दिखा रहा हूं, लाइन पढ़ना क्या लिखी है जी, ये कल की ही न्यूज है, अगर आप चेक करोगे ये कल की न्यूज है, 27 फरवरी 2024, आई थिंक 2-3 दिन पहले की न्यूज है अभी। क्या लिखा हुआ है? NCLT अप्रूव हिंदुजा ग्रुप रिजोल्यूशन प्लान फॉर रिलायंस कैपिटल टेकओवर। एक्चुअल में क्या हुआ था, सन 2021 में RBI ने इसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन डाली थी कि भाई साहब ये हमें आ रहा पैसा नहीं दे रहे, और ये 27 फरवरी को ही, मतलब 2-3 दिन पहले ही हिंदुजा ग्रुप ने बोला ये कंपनी हम एक्वायर करना चाहते हैं। आपने में भी थोड़ा बहुत अगर एग्जीक्यूटिव में, आई थिंक SBC में 40 नंबर का आई थिंक आपने इंसॉल्वेंसी का लो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं मानूंगा जीरो पढ़ा आपने। बट एक्चुअल में होता क्या है, मान लो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, सुनना ध्यान से, एक कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, कंपनी का केस जाएगा NCLT के पास, अब NCLT सीधा कंपनी बंद नहीं करता सर, अगर ऐसे कंपनी बंद होने लग गई तो इंडिया की इकोनॉमी तो डाउनफॉल में आ जाएगी। NCLT क्या करता है, NCLT मार्केट में लोगों से पूछता है, एक कंपनी हमारे पास आई है, इस कंपनी को कौन खरीदना चाहता है? अब NCLT ने बोल दिया, अब यहां पे क्या आएंगे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आएंगे,
एप्लीकेंट का मतलब क्या है? मैंने बोला यार ये रिलायंस कैपिटल ना मेरे काम की कंपनी है, कि जो ये काम कर रही है मैं भी वो सेम काम कर रहा हूं, इस कंपनी को मैं रिजोल्व कर सकता हूं, इसकी इंसॉल्वेंसी को मैं सही कर सकता हूं, मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं। मैंने एनसीएलटी को बोला भाई साहब ये कंपनी के 500 करोड़ रुपए मैं देने को तैयार हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मान लो विवेक गाबा बीजी लिमिटेड, मैंने बोला 500 करोड़ रुपए दूंगा। उधर से कंपनी आई भाई साहब 600 करोड़ मेरे। आपने आईपीएल देखा है? आईपीएल में बिड लगती है कि ये खिलाड़ी इतने का, ये खिलाड़ी इतने का, ये खिलाड़ी इतने का, दैट इज रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। एक कंपनी मार्केट में आ गई वो इंसॉल्वेंसी के अंदर है, बताओ इसकी इंसॉल्वेंसी को कौन रिजोल्व करेगा? आपने कहा मैं रिजोल्व करूंगी, इसने कहा मैं रिजोल्व करूंगी, इसने कहा मैं रिजोल्व करूंगी, इसने कहा मैं रिजोल्व करूंगी। अब जिसकी इंसॉल्वेंसी का प्राइस मेरे को बढ़िया लगेगा या मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये कंपनी इसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कर सकती है, उसको मैं अप्रूव कर दूंगा। कल फाइनली एनसीएलटी ने वही अप्रूव किया है। तो मतलब जो जो आपकी रिलायंस कैपिटल है ये किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की नहीं है, ये किसकी कंपनी है? अनिल अंबानी की, अगर आपको बताओ। और वो तो वैसे भी इंसॉल्वेंस हुआ पड़ा इस टाइम, उसके इस टाइम हाथ में कुछ तो है नहीं। तो ये सन 2021 की बात मैं तुम्हें कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली हम डेली बेस पर ऐसे ऐसे केस क्लास में देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्व कैसे होती है। आपको सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आज के बाद जब भी तुम न्यूज पढ़ोगे ना तुम्हें एक बार देखना जरूर है वहां पे लिखा क्या है। तो उसकी फ्रंट लाइन से पता लग रहा है कि एनसीएलटी अप्रूव हिंदुजा ग्रुप रेजोल्यूशन प्लान फॉर द रिलायंस कैपिटल टेक ओवर। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्या सिर्फ हिंदुजा ग्रुप ने ही बीड मारी होगी या काफी लोगों ने मारी होगी? फाइनली एनसीएलटी ने अप्रूव किसकी कर दी? इस ग्रुप की अप्रूव कर दी। अच्छा अभी ये कंपनीज की हुई नहीं है, एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया। अब और भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, इनकम टैक्स एक्ट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, सेबी की रिक्वायरमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट जब ये पूरी हो जाएगी तो ये कंपनी फिर हिंदुजा वालों की हो जाएगी जी। तो सिंपल सी बात मैं कहना यार, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना टाटा स्टील, टाटा स्टील ने एक्वायर किया भूषण स्टील को। अगर आपने कंपनी का नाम सुना भूषण स्टील, पहले कंपनी थी, नहीं सुना आप कभी स्टॉक मार्केट में जाना, मतलब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है उसमें लिखना टाटा कंपनी, टाटा स्टील बीएसएल के नाम से कंपनी आएगी, बीएसएल दैट इज भूषण स्टील। तो टाटा स्टील ने वो एक्वायर कहां पर की? वो इंसॉल्वेंसी में एक्वायर की है। वैसे बहुत सारी कंपनियां इंसॉल्वेंसी में घुस रही है, इसको रिजोल्व कौन करवाएगा? आप लोग। बच्चा कह रहे इसमें हमारा क्या रोल है? आपका ही सबसे बड़ा रोल है, आप ही इसके अंदर बनते हो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही संभालनी है कि रिजोल्यूशन प्लान जो आ रहा है क्या वो प्लान सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या वो सारी रेगुलेशन पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वो कंप्लायंस पूरे कर रहा है नहीं कर रहा, ये कौन करेंगे? सीएससी तो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें हमें इंसॉल्वेंसी के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अब बच्चा के क्वेश्चन फिर वही आ गया, सर ये तो कंपनी की इंसॉल्वेंसी है, तो ये इंसॉल्वेंसी तो हमें पढ़नी है क्योंकि हम क्या बन रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमें पढ़नी है। ये बताओ इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी है, पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी है, क्या वो भी हमें डिस्कस करनी है? आंसर इज यस। 140 नंबर का आईबीसी हमारे पेपर में ऐसे नहीं है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं वापस आता हूं उस पेपर के ऊपर। अब ये जो पेपर आपके पेपर के बाइफरकेशन है जी, यहां पे एक बार चेक करना, ये लो। अब ये बाइफरकेशन है 40 नंबर का, ये जो है इसमें सिर्फ आपकी कंपनी की इंसॉल्वेंसी की बात है। ये कंपनी की इंसॉल्वेंसी कैसे रिजोल्व होगी, ये 40 नंबर का है। और जो 100 नंबर के अंदर हम आईबीसी पढ़ेंगे ना, तो आर आईबीसी एक्ट में टोटल मिला के 255 सेक्शन है, सारे के सारे सेक्शन हमारे इस 100 नंबर के अंदर है जी। मतलब सेम मत मानना, ठीक है, आप ये कह सकते हो 60-70% सेम हो सकता है, बट 40% हमें अलग पढ़ने को मिलेगा। कई चैप्टर ऐसे हैं इंसॉल्वेंसी के जो आपके इस 40 नंबर के अंदर नहीं है, और वो तुम खुद भी समझदार हो, अगर सेम ही होता तो वो 100 नंबर में अलग से क्यों डालते हो? ये तो हम खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, क्योंकि अगर 60 नंबर वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो 60 नंबर में कुछ तो एडिशनल पूछेगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होगा, कंपनी की इंसॉल्वेंसी कैसे रिजोल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी कैसे रिजोल्व होगी, जितने भी आपके सारे प्रोविजंस होंगे ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ये बात क्लियर है? चलो अब मुझे एक बार बताओ फटाफट से, पहली बात तो जो हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। अच्छा अब एक बार को, अब अगर मैं पेपर को पढ़ता हूं ना, एंड इंसॉल्वेंसी लिखा है, बट सिर्फ इंसॉल्वेंसी नहीं है इसमें, इंसॉल्वेंसी के अलावा लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप भी तुम्हारा यहां पे कवर हो जाएगा। याद है आपने थोड़ा बहुत कंपनी लॉ अगर पढ़ा हो तो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा वाइंडिंग अप, पढ़ा आपने? याद है कुछ सेक्शन नंबर? सेक्शन नंबर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो?
वाइंडिंग अप का 239, मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि मैं टैक्स पढ़ाता हूं, मुझे या पता ही नहीं होगा, कुछ भी बोल के निकल जाओगे। नहीं, वाइंडिंग अप का सेक्शन नंबर 271 याद करो, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं कि इन ग्राउंड्स के बेस पे तुम्हारे कंपनी बंद हो सकते। हाँ 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 हाँ, देख रहे हो, देख रहे हो मेरे को कंपनी लोग कितना आता है, ओ माई गॉड। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन नंबर 271 है उसमें कुछ ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, उसमें टोटल पहले 6 ग्राउंड्स होते थे। अब उसमें एक ग्राउंड्स था कि अगर कोई कंपनी डेट पे करने के अनेबल हो जाएगी, वो कंपनी को हम वाइंड अप कर देंगे, इसको वो निकाल के अब इंसॉल्वेंसी के अंदर ले गए हैं। तो आज कुछ कंपनी का वाइंडिंग अप होता है इंसॉल्वेंसी में, कुछ कंपनी का वाइंडिंग अप होता है कंपनीज एक्ट में, 5 ग्राउंड्स के बेस पर वाइंडिंग अप होता है कंपनीज एक्ट में, और जो डेट अनेबल वाला है उसके अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप कहां पे करेंगे, आईबीसी के अंदर। तो सिर्फ इंसॉल्वेंसी नहीं है, उसका लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप भी है जी। ठीक है जी, तो वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है, उसकी वेटेज 140 मार्क्स के लेके चलना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आईबीसी अगर तुम शिद्दत से पढ़ लेते हो तो ये लगा लो 300 में से 140 तो इसके हैं, आप समझो इसकी वेटेज कितनी है। जिसका आईबीसी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सेकंड ग्रुप जिंदगी में कभी निकाल नहीं पाएगा, अगर उसने इलेक्टिव आईबीसी ली है प्रोवाइडेड। ठीक है ना, अगर आपने इलेक्टिव आईबीसी ली है तो आप समझ सकते हो 300 में से 140 नंबर की वेटेज हमें इसकी कवर करनी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और क्लास में हम इसको बेयर लो से पढ़ेंगे। अभी मेरा बैच अभी आईबीसी का मैंने उस दिन बताया भी था, काफी बच्चों को मेरा कंप्लीट हुआ, अप्रोक्सीमेट मेरे 60 लेक्चर लगे हैं, 60 लेक्चर मल्टीप्लाई 2 मान लो 120 घंटे का कंटेंट है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में इतना कंटेंट किसी का आईबीसी का है, हो सकता है मुझे नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग जो 120 लेक्चर में लगाए हैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूं। उसका सिंपल सा एक रीजन है कि हमने जो आईबीसी कोड है हर एक लाइन उसके अंदर से ही पढ़ी है, और अगर आपने कोड को अपने अंदर समा लिया, मतलब जो ओरिजिनल लो है अगर आपने उसी को एनालाइज कर लिया, उससे बाहर तो कुछ चीज भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल बता, वो हमें बहुत शिद्दत से पढ़ के चलना है क्योंकि 140 मार्क्स हमारे लिए बहुत काम के हैं, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, और बाकी 40 नंबर का सीआर है, इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा अभी डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन में क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, चलो अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद अब ये तो पता होगा आपको, मेरे ख्याल से अब तो दिसंबर में 15 मिनट मिले थे पेपर पढ़ने के, मिले थे 15 मिनट, क्या किया उसमें तुमने 15 मिनट में, तुमने क्या कैसे यूज किया उसको? मतलब मिले थे ना 15 मिनट सबको मिले थे, तो उसमें क्या किया, मतलब पेपर लेने के बाद क्या किया आपने, उस 15 मिनट को यूज कैसे करते हो तुम? क्वेश्चन पढ़ लिया और स्ट्रेटजी बनाई आपने 15 मिनट के अंदर, ओ माय गॉड, रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया आपने, है नहीं, की अटेम्प्ट कहां से करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये 15 मिनट, मुझे नहीं पता एग्जीक्यूटिव में कि कितना रोल प्ले किया, प्रोफेशनल में सबसे बड़ा रोल इस 15 मिनट का ही है सर। 3 घंटे डिसाइड कर देगा ये 15 मिनट, और ये 15 मिनट बहुत बड़े लेवल की गेम है जो बच्चे को पता ही नहीं है। इसका मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 15 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और अगर तुम्हें लगा मुश्किल है तो अगले 3 घंटे तुम्हारे बेकार हो गए ना। अगर वो 15 मिनट अगर तुमने क्वेश्चन पर सही ढंग से पढ़ लिया तो अगले 3 घंटे तुम्हारे काम के हो गए। तो ये 15 मिनट जो है ये बात ध्यान देना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। इस 15 मिनट का बेस्ट यूज होता है कि जब भी पेपर तुम्हारे हाथ में आ रहा है अब उसमें सिलेक्ट करो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन से मुझे आते हैं। सीए में तो पहले भी मिलते थे, सीए में हमें भी मिलते थे जब हमने सीए क्लियर की उस टाइम भी थे, सीएस में मिलने स्टार्ट हुए हैं, और मेरे को लग रहा है बहुत वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट का। रीजन क्योंकि अगर 15 मिनट में आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं तो आधे मार्क्स तो आपके वहीं पर फाइनल हो जाते हैं जी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान देना, पेपर अब आपका 3.25 घंटे का है, 3.25 घंटे का है जी, 3 घंटे तो नॉर्मल है और 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा है। उसमें शीट नहीं मिलती, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है। दूसरी बात, आपने आई थिंक एग्जीक्यूटिव में एमसीक्यूज पढ़े होंगे, अब पेपर पूरा का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव बेस है। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है ये कि पेपर में क्या क्या आएगा। एक तो सबसे पहली बात है एज पर आईसीएसए मॉड्यूल। अब एग्जीक्यूटिव लेवल पर मैं अगेन बोलूंगा आपने क्या गलतियां की मुझे नहीं पता, प्रोफेशनल लेवल पर आप आईसीएसए मॉड्यूल छोड़ के नहीं जा सकते, उसकी सिंगल लाइन में आप ड्रॉप नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि पेपर की चेकिंग जो होती है प्रोफेशनल लेवल पर वो आपके मॉड्यूल को रेफर जरूर करता है कि हमने मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। इसलिए अभी लास्ट बैच के अंदर ना मैंने अभी सीआर का बैच अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा एक चैप्टर बचा हुआ है टेक ओवर का, तो बाकी सारे चैप्टर खत्म हो गए, उनके अब शाम को क्लास हो रही है, आपके टाइम पर ही होती थी पहले क्लास।
तो उनकी शाम को क्लास हो रही है, तो उनकी मैंने सीआर में ना भी तीन बुक्स बनवाई, मतलब तीन नोटबुक बनवाई। एक नोटबुक तो वैसे नॉर्मल जो मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूँ, जैसे आपने टेक्स्ट में अगर देखा होगा कम से कम काफी हम नोटिंग करते थे, सेम सीआर के अंदर भी होती है, बेर रो पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, लिखते हैं, आपके नोट्स आपके हाथ में तैयार हो जाएंगे। दूसरा मैंने थोड़ा सा एडिशनल काम स्टार्ट किया, एक केस लो की नोटबुक मैंने अलग बनवाई। अलग क्यों बनवाई, चाहूं तो मैं बीच में मिक्स भी करवा दूं, बट मुझे पता कि एग्जाम से एक दिन पहले तुम ढूंढ नहीं पाओगे केस लो कहां है, तो मैंने क्या बोला केस लो की नोटबुक अलग बनवा लो, जहां जहां केस लो आ रहे हैं साथ साथ में केस लो की बुक में लिखते रहोगे, आपके केस लो की बुक साथ में तैयार होंगी, क्योंकि अभी की मेहनत बाद का रिजल्ट है, और अभी की वो मतलब चले यार कर लेंगे वो कर लेंगे फिर बाद में फेलियर है। तीसरी नोटबुक मैंने बनाई उनको पॉइंट्स की, पॉइंट्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अमलगामेशन मर्जर के क्या एडवांटेज हैं, अब क्या एडवांटेज हैं, बच्चे को यह तो पता है क्या एडवांटेज, उसको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो मैंने क्या किया उस पॉइंट्स की नोटबुक में पॉइंट्स लिखवा दिए, ताकि 50-60 पेज के अंदर पूरे सीआर आईबीसी के पॉइंट्स आ गए, ताकि एग्जाम से पहले अगर वो 60 पेज भी पढ़ लेगा उसको पॉइंट सारे पता है। तो ये तीन नोटबुक हम क्लास के अंदर बना के चलेंगे, एक तो आपकी मेन नोटबुक होगी, एक केस लो की नोटबुक होगी, और एक पॉइंट्स की होगी, और पॉइंट्स की नोटबुक बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल में पॉइंट्स लिखे होते हैं वो तुमसे जरूर मांगता है। सर बच्चा कहता है सर अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट पॉइंट सेम होनी चाहिए, अगर आपने पॉइंट्स अलग कर दिया तो वाला आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आप चाहे जितना मर्जी कहते रहो सर हमने सही किया, इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। मैंने लास्ट बैच के अंदर ही बोला, मैंने कहा देख भाई अमलगामेशन के फायदे हैं 15, मॉड्यूल ने लिखे 8, पहले ये 8 लिख के आने हैं जो इसने लिखे हैं, 7 फिर तो बाद में लिख के आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है पहले हम वो लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे, हमारा मेन फोकस नंबर लेना भी है, क्योंकि अगर पास ही नहीं होंगे डिग्री नहीं हाथ में आएगी हम क्या कर लेंगे फ्यूचर का हमारे, तो पहला काम हमारा क्या है डिग्री हमारे हाथ में, और वो डिग्री तब मिलेगी अगर जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है जो की पॉइंट्स उसने लिखे हैं वो पॉइंट्स हम लिख के आएंगे, बात खत्म होती है जी, ठीक है जी। तो तीन पैटर्न हम फॉलो करेंगे, मेन और एक केस लॉ की बुक और एक आपके जो होंगे पॉइंट्स वाली नोटबुक जो होगी वो हम साथ में लेके चलेंगे। तो एक तो आईसीएसई का मॉड्यूल, देन प्रोविजन बेस्ड पेपर बनता है, और फिर मेन केस स्टडी। एग्जीक्यूटिव में आप आई थिंक कंपनियों में केस स्टडी बनती होगी आपके, बहुत सारी बनती है ना कंपनियों के अंदर, ऐसे ही जो इलेक्टिव पेपर है वो तो पूरा केस स्टडी बेस ही है, उसमें कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ अमलगामेशन के एडवांटेज क्या है, मर्जर के एडवांटेज क्या है, टेक ओवर के फायदे क्या है, ये नहीं पूछेंगे, उसमें केस स्टडी दी होगी, केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर वो केस स्टडी बेस है, सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हें सिंपल देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को नहीं मिलेगा। फिर आ गया आपका जो सीआर वाला पेपर है उसमें मिक्स है, मतलब 50-60% केस स्टडी होगा, 50-60% जो होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, ठीक है जी। मन केस स्टडी कैसे बनेगी, वही सेम सेक्शन के अंदर से मिक्सिंग होगी, केस स्टडी बनेगी, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किस प्रोविजन की बात कर रहा है, और मुझे लग रहा है केस स्टडी आसान होती है, मुझे लग रहा है केस स्टडी आसान होती है, रीजन क्या है, क्योंकि उसमें ना वो पॉइंट्स याद नहीं करने होते, उसमें प्रोविजन को समझना है, समझा और आंसर लिखा नंबर ले लिया, जहां सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं वहां बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पॉइंट्स याद करने की बात आती है, ठीक है जी। तो प्रोफेशनल के अंदर पेपर मिक्स बनता है, मतलब ज्यादा लगा लो केस स्टडी बेस बनेगा, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट भी आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। उसके बाद आपका डिसाइडेड केस लो, वही जो मैंने बोला केस लो के अलग से नोटबुक बनाएंगे तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीआर के अंदर बनते हैं वैल्यूएशन में से। 20 नंबर का एक टॉपिक है वैल्यूएशन का, तो उसमें आपके दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनते हैं, वो सारे के सारे वैल्यूएशन के अंदर से आते हैं, ठीक है। बाकी सारा का सारा ऑलमोस्ट पेपर जो होगा वो केस स्टडी बेस होगा, ये बात ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, पहला पार्ट कौन सा निकल के आ रहा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का, देन फिर वैल्यूएशन 20 मार्क्स का, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर। अब ये मैंने बोला ये हेल्प करेगा पेपर नंबर 3.5 जो इलेक्टिव है, ऑप्शनल पेपर आईबीसी पूरा का पूरा 100 नंबर का है, तो 140 मार्क्स का पेपर निकल के आ रहा है जी, ठीक है जी। अब एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, इस पॉइंट को एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है, पढ़ना इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा है जी, वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी इज ए फाइनेंशियल स्टेट ऑफ कंपनी इंडिविजुअल फर्म एटसेट्रा। बस ये बता दो इंसॉल्वेंसी की स्टेट किसके साथ हो सकती है, सिर्फ कंपनी के साथ या सबके साथ, उसने क्या बोला कंपनी इंडिविजुअल फर्म एटसेट्रा किसी के साथ भी इंसॉल्वेंसी हो सकती है, ठीक है जी। दे अनेबल टू पे डेट, लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एसेट्स ऑफ कंपनी टू रीपे क्रेडिटर्स, एंड वाइंडिंग अप इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्लोजिंग डाउन ए कंपनी ऑपरेशन एंड सेलिंग
एंड सेटलिंग इज फाइनेंशियल अफेयर। इसका मतलब क्या, तीन स्टेज हैं एक कंपनी की, तीन स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज है इंसॉल्वेंसी की, सेकेंड स्टेज होती है लिक्विडेशन, और थर्ड स्टेज होती है वाइंडिंग। अब ये तीन स्टेज का मतलब क्या है, कंपनी पहले किस में आएगी, इंसॉल्वेंसी में। अब यहां से ना दो तरीके होंगे, या तो इसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो जाएगी, और अगर इसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होगी तो इसका फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैंने अभी आपको एक न्यूज दिखाई, एनसीएलटी ने हिंदुजा ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, क्या वो अब कैपिटल, रिलायंस कैपिटल जो है, क्या वो लिक्विडेशन में जा रही है या उसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो रही है? तो अब वो रिजोल्व हो रही है, अब वो वहीं से बैक हो गई, अब वो लिक्विडेशन में नहीं जा रही। बट अगर मान लो रिलायंस कैपिटल कोई खरीदता ही नहीं, आईपीएल में कुछ प्लेयर अनसोल्ड रह जाते हैं, नहीं रहते सारे प्लेयर तो नहीं बिकते ना, अब वो बिक ही नहीं रहा तो भाई अब तो खत्म है, अब तेरा लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मे बी जब तू आईपीएल के अंदर नहीं बिक रहा तो पता नहीं कहां तू खेलेगा। सेम रिलायंस कैपिटल कोई लेने को तैयार नहीं है, वो कह रहा मैं तुझे क्यों लूंगा भाई, तेरे इतने हैवी लॉस है, तू मेरे किसी काम का नहीं है। कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट उसको लेने को तैयार नहीं है, या जो लेने को तैयार है उनकी बिड हमें पसंद नहीं आ रही। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मैंने बोला, ये मान लो बच्चा आईपीएल खेलने के लिए आया, मैंने कहा 5 लाख रुपए दूंगा, कह रहे हैं 5 लाख रुपए लूंगा मैं, खेलूंगा ही नहीं, इससे बढ़िया तो मैं खेलूंगा ही, मेरी भी तो कुछ इज्जत है ना। तो मान लो मैंने कहा रिलायंस कैपिटल लूंगा 20 करोड़ की, उसने कहा मती ले भाई, इतने की तो हमें बेचनी ही, इससे बढ़िया हम लिक्विडेशन कर देंगे इसका, लिक्विडेशन में एसेट बिक जाएंगी, रिकवरी तो वहीं से भी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर केस में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होगी होगी, अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट होगा लिक्विडेशन का, फिर लास्ट में क्या होगा, वाइंडिंग अप। तो लिक्विडेशन इज ए प्रोसेस, किसका प्रोसेस होता है, कंपनी को वाइंड अप तक लेकर जाने के लिए बीच में जो प्रोसेस आ रहा है उसको नाम क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। ये बात ध्यान दो, यही तीन टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इंसॉल्वेंसी भी हमारे सिलेबस में, लिक्विडेशन भी और वाइंडिंग अप भी, ठीक है। उसके बाद जी अमेंडमेंट्स की एप्लीकेबिलिटी, आईबीसी में इतनी अमेंडमेंट नहीं आती, टैक्स में तो बहुत आती थी, ठीक है। आपने अगर एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा हो, कितना डरते थे आप टैक्स से, आपके चेहरे पे आज एक अलग ही स्माइल है कि शुक्र है हमें, अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि आपको प्रोफेशनल में टैक्स नहीं पढ़ना, तो खुशी है इस बात की वैसे आपको, किस किस को वैसे इस बात की खुशी है कि आपको प्रोफेशनल में टैक्स पढ़ने को नहीं मिल रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई दिल पे चोट लगती है जब तुम ऐसे बोलते हो ना, दर्द होता है यहाँ पे, कुछ होता है कि जैसे पता नहीं कोई मेरे को मार रहा है अंदर से, ठीक है। अरे वैसे क्यों, मैं जानना चाह रहा हूं वैसे क्यों आपको इस बात की खुशी है, प्रैक्टिकल चलो, और जैसे बस, हाँ पेपर नहीं निकलता, फंस जाते हैं हम बीच में, ओके। और एक, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है आपको टैक्स से, जनता जवाब चाहती है, हाँ जी क्या प्रॉब्लम आपको टैक्स से, क्यों आप टैक्स नहीं पढ़ना चाहते, कुछ भी। अरे ये लाइन मुझे और मारती है कि सर अच्छा तो है लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये लाइन और चुभती है। एक जैसे मैंने आपको उस दिन बोला सेमिनार के अंदर, एक बच्ची आई दौड़ी दौड़ी, सर टैक्स ना खून में बस गया हमारे, मतलब आपने ऐसा पढ़ाया खून में बस गया, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा अच्छा फिर प्रोफेशनल में इलेक्टिव टैक्स ले लो, नहीं लेना नहीं है, मैंने कहा क्यों, बस वो अच्छा लगता है, ऐसा ना कि दूर से बस एक चीज अच्छी लगती है, पास जाने से डर लगता है, चलो अच्छी बात है इंस्टीट्यूट ने आपकी सुनी, उसने इसको ऑप्शनल में डाला, ठीक है, तो वो एक बात अलग अलग है, और आपका ऑप्शनल में पेपर है वैसे, ठीक है, बट मैं उसको लेने को बोलूंगा भी नहीं क्योंकि ऑप्शनल का मतलब वो ऑप्शनल ही होता है, तो बेटर यह कि फिर हम वही लाइन लें जो आगे जाके हमारी कोर बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो आपका वैसे इन्होंने दिया हुआ है, बट वो देने या ना देने का मेरे ख्याल से 100 में से एक आधा बच्चा बड़ी मुश्किल से जीएसटी को ऑप्ट करता होगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था अगर आपको पढ़ना हो तो इस बैच के साथ में मैं अपना एडवांस टैक्स का बैच साथ में फ्री दूंगा, 350 घंटे का कंटेंट है, लेते रहो नॉलेज, जब तुम्हारा मन करे पीजी भी पढ़ने का पीजी भी खोल के बैठ जाओ, जब तुम्हारा मन पड़े सैलरी पढ़ने का सैलरी खोल के बैठ जाओ, मतलब जब भी तुम्हारा फ्यूचर के अंदर कभी लगता है यार मेरे को टैक्स एक बार पढ़ना है तो वो तुम पढ़ सकते हो, वो आपके पास है, ठीक है। बट पेपर हमें दो ही पढ़ने हैं, एक तो सीआर और एक आईबीसी। अब सुनो अमेंडमेंट कितनी एप्लीकेबल है जी, सेम जैसे टैक्स में आती थी, अमेंडमेंट बहुत कम आती है इसमें। अब पेपर हमारे कब है जी, दिसंबर में या जून में, दिसंबर में, तो 6 महीने पहले काउंट कर लो,
31 मई तक की अमेंडमेंट जो है वो हमें पढ़नी है, दिसंबर एग्जाम के लिए बस ये पर ध्यान दीजिए। इसमें ना ये मत कहना कौन सा फाइनेंस एक्ट आएगा, कहीं वो तुम्हारे अंदर टैक्स निकल ही ना पा रहा हो, इसमें फाइनेंस एक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो टैक्सेशन में होता है। इसमें क्या है, 6 महीने पहले की जो भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएंगे वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो अगर हमारे एग्जाम दिसंबर में है तो 31 मई तक के अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, अगर हमारे एग्जाम जून के अंदर होंगे तो 30 नवंबर तक के अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, बट हमारे काम की यह वाली बात है, बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। चलो अब इस पॉइंट को क्लियर कर लिया, अब आ जाओ एक बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न क्या है। अब सुनो ध्यान से, पेपर का पैटर्न, पेपर आता कैसे है, पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 8, 8 क्वेश्चन जो आएंगे जिसके 20 सब क्वेश्चन होंगे, मतलब 8 देखने को मिलेंगे, उसके अंदर सब क्वेश्चन कितने होंगे 20 सब क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, कोई 7 नंबर का नहीं, कोई 3 नंबर का नहीं, कोई एमसीक्यूज नहीं, कोई 2 नंबर का नहीं, कोई कुछ नहीं, आगे जाके मे बी इंस्टीट्यूट ट्रेंड चेंज कर दे, जैसे एडवांस टैक्स में कर दिया था इन्होंने, इन्होंने प्रोफेशनल के एडवांस टैक्स में क्या किया, इन्होंने 5 नंबर का डाला, ट्रू फॉल्स डाल दिए। अब 5 नंबर में उसने क्वेश्चन क्या किया, 5 पॉइंट्स एक एक नंबर के बना दिए, तो मे बी आपके यहां भी वो बन सकता है, बट हर क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब देखो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन जो हमारे पेपर के अंदर आएगा, उसके 3 पार्ट होंगे ए बी सी, 5 नंबर का हर पार्ट होगा, मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, उसमें से तुम्हें एक करना है, या 2 करो या 2A करो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कौन सा अच्छा आता है, बट ये नहीं कर सकते कि 2 पार्ट कर लिए 2 के, 1 पार्ट कर लिए 2A का, वो तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा, एग्जीक्यूटिव में तुम्हें पता ही होगा सारी बातें, ठीक है ना। तो या तो 2 करना है या 2A करना है, 5 मार्क्स ऑप्शन है बिटवीन 2 और 2A। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो मैंडेटरी है, 5 नंबर का होगा, मतलब चॉइस किस में आ रही है, 2 और 2A में, 1 और 3 मैंडेटरी में है। ये तो हो गया सीआर का 40 नंबर। फिर आ गया वैल्यूएशन 20 नंबर का जी, कमाल की बात, वैल्यूएशन में 2 ही क्वेश्चन आने हैं और दोनों के दोनों मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 20 नंबर में कोई तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा, और उसमें प्रैक्टिकल आता है, उसमें ही क्या कह रहे हैं सर, उसमें क्या आता है सर, उसमें क्या आता है प्रैक्टिकल। ओह माय गॉड, अब क्या करोगे, अच्छा अगर हमारा क्या है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, हम तो आके बैठ चुके हैं बस, ठीक है जी। तो उसमें प्रैक्टिकल बनेगा, बट हाँ पूरा 20 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं है, 10 नंबर के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, ओ मतलब पेपर 90 नंबर का है। बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है कि प्रैक्टिकल गया 10 नंबर, पेपर है 90 का, अब उस 90 में से कितने आएंगे वो देखना है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल इजी आते हैं इसमें, मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे आपको, मतलब मजा आएगा इसके करने में, ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन बनने हैं, दोनों के दोनों मैंडेटरी में आने हैं। उसके बाद फिर आपका पोर्शन जो होगा वो इंसॉल्वेंसी वाला होगा जी, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंडेटरी है जी, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन है, 7 और 7A, वही सेम 7 करो या 7A करो, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 आपका आएगा जी, ये आपका पोर्शन है पूरा का पूरा जी। तो क्या मैं कह सकता हूं पेपर 130 नंबर का बनेगा, नहीं यार ये बात समझ, पेपर कितने का बनेगा 130, करना हमें कितने का है 100, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में है, सीआर में ऑप्शन है, आईबीसी में ऑप्शन है, वैल्यूएशन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस ये पर ध्यान दीजिए, क्या बात समझ में आ रही है जी। अब ये पेपर जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका देखो पेपर इन्होंने पीछे दे रखा है, इस तरह से बनेगा, केस स्टडी फॉर्म, कुछ केस स्टडीज भी दी हैं और कुछ इन्होंने सिंपल क्वेश्चन भी यहां पे दिए हुए हैं, तो सारा का सारा केस स्टडी बेस्ड नहीं है, इस तरह से पेपर का लेवल है जी, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हें घबराने वाले नहीं है, बट हाँ लेवल के क्वेश्चन है, मजा आएगा, नॉलेज तुम्हारी पूरी टेस्ट कर लेंगे जबरदस्त तरीके वाले, आपको हर क्वेश्चन पढ़ के ये फील होगा कि हम एग्जाम दे रहे हैं प्रोफेशनल का, ठीक है जी। लेवल बहुत बढ़िया होगा, सारा का सारा केस स्टडी बेस्ड, देखो जैसे अब देखो ये वैल्यूएशन है, देखो दो थ्योरी है और दो ये देखो ये प्रैक्टिकल, और ये भी प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है, 2 बनेंगे प्रैक्टिकल, तो 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, और बाकी जो होगा वो नॉर्मली केस स्टडी बेस, ये आपके सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से जी। ये पूरा पेपर का पैटर्न है जो 100 नंबर का हमारे एग्जाम के अंदर बनना है, यहां तक क्लियर है, पक्का। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, इसको एक बार छोड़ दो, इसको हम देखेंगे बाद में, अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, अब इधर देखते हैं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली,
अब सीआर में टोटल कितने चैप्टर हैं एक बार पहले वो बता देता हूं, वैल्यूएशन में कितने चैप्टर हैं वो बता देता हूं, और इंसॉल्वेंसी में कितने हैं वो, और फिर ओवरव्यू दे रहा हूं कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब आपके सीआर में टोटल मिला के ना 11 चैप्टर हमें कवर करने हैं, 11। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तुम्हें नाम से क्या फील आ रहा है, क्या पढ़ने को मिलेगा तुम्हें इसमें? ये नहीं जो तुमने सुना है उसको भूल जाओ, इस नाम से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, इस वर्ड में क्या छुपा हुआ है जो तुम्हें लग रहा है कि इसमें ये हो सकता है, कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करना। अच्छा, कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है? मतलब जो भी तुम्हारे मन में है बोलते रहो, हैं? काम करने का तरीका चेंज करना, कैसे चेंज कर सकते हो? स्ट्रेटजी चेंज करके। चलो और बताओ जी, हैं? बच्चे कह रहा आईडीटी कब स्टार्ट होगा? अरे नालायक, ये टैक्स नहीं पढ़ रहे बच्चे, इधर देखो ध्यान से, बच्चा कह रहा आईडीटी कब स्टार्ट होगा, ये कौन सा डीटी चल रहा है? आपको फील तो नहीं आ रही ना टैक्स पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, तो ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई ऋषभ नालायक, आईडीटी कब स्टार्ट होगा? हाँ नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, है क्या कहना चाह रहे हो नालायक? चलो वापिस आओ जी, अब कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करना कैसे कर सकते हो बताओ, कैपिटल, ये तो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं एग्जांपल आपसे ही जानना चाह रहा हूं, रीस्ट्रक्चरिंग तुम कैसे कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दो कि सर ऐसे करेंगे तो रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। क्या रीस्ट्रक्चरिंग अमलगामेशन, कोई कंपनी तो मर्ज हो रही है, क्या मर्जर से रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है? यस। टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, डीमर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे एग्जांपल है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एक चेंज लेकर आना, तो पहले बात कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे आने से पहले आप ये वर्ड समझो कि जो एक वर्ड है रिस्ट्रक्चरिंग इसका मतलब क्या है। देखो रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, एक चेंज लेकर आना। किसमें चेंज लेकर आना, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप यहां पर बैठे हो, क्या सुबह आप ऐसे ही उठे थे? तो जैसे आप अभी बैठे हो, क्या सुबह ऐसे ही उठे थे? नहीं, सुबह उठने के बाद आपने ब्रश व्रश किया होगा, नहाए वहाए होंगे, थोड़ा बहुत तैयार व्यार होंगे, कपड़े आपने चूज किए होंगे, भाई कपड़े कौन से डालने, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हो ना, ये रीस्ट्रक्चरिंग तो है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी के स्ट्रक्चर, ऑपरेशन या ओनरशिप में अगर कोई चेंज आ जाएगा उसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। आपका स्ट्रक्चर जो रात को था अब वो इस टाइम वो स्ट्रक्चर नहीं है आपका, और आपको जिस कपड़ों के अंदर सोए थे उस कपड़ों के अंदर अभी नहीं बैठे आप, आपने बाल बाल बाहर रखे हैं, आप अगर कहीं शादी में जाते हो कि अपने अंदर आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, मेकओवर दे रहे हो ना अपने आप को। तो ऐसी कंपनी को भी तो रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। आज अगर मान लो कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगी तो कंपनी चल कैसे पाएंगी? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि ऑपरेशन में चेंजेस आना, स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, या किसी की ओनरशिप में चेंज आना। जैसे एग्जांपल देता हूं, कोविड से पहले, सारे बच्चे आंसर देना जी, लाइव वाले बच्चे भी, कोविड से पहले ऑलमोस्ट जमाना था फेस टू फेस क्लास का, जमाना किसका था? फेस टू फेस। कोविड से पहले बहुत फेस टू फेस बच्चा था, ये तो कोविड के बाद क्या हो गया, लाइव में बच्चा शिफ्ट हो गया, तो लाइव में शिफ्ट हो गया, फेस टू फेस थोड़ा सा बच्चा कम आने लग गया। अब एक बात बताओ, कोविड से पहले फेस टू फेस था तो मैं यूट्यूब पे मान लो इतना था नहीं, वैसे मैं था यूट्यूब पे, मैं काफी टाइम से हूं, बट मैं इतना नहीं था जितना कोविड के अंदर आया। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि कोविड आ गया है, फेस टू फेस बैचेस ना बंद हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ना यूट्यूब पे आना स्टार्ट करो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं यूट्यूब पे बोल नहीं पाता, मैं यूट्यूब पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्लास कैसे लूंगा। उसने कहा ठीक है मत करो, फिर मत कहना कि मेरा बिजनेस क्यों बंद हो गया। भाई बिजनेस बंद होगा ही होगा ना, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा, मैं ऑनलाइन नहीं आऊंगा, मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं करूंगा, मैं बिजनेस ग्रो कैसे करूंगा? तो क्या मुझे अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी। तो फेस टू फेस से ऑनलाइन में आना, दैट इज मेरे बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग। अरे हर कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग की नीड है, आप देख लो इंस्टाग्राम। अब एक बात मेरे को बताओ, आज इतने बिजनेस मार्केट में चल रहे हैं, आपको पता है गूगल और यूट्यूब आपस में ये मर्ज हो गए,
गूगल और यूट्यूब का मर्जर हो गया। किस लिए मर्जर हुआ? क्योंकि दोनों मिलकर एक और एक 11 वाली बात हो जाएगी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ने एक्वायर किया किसको? इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को। क्यों? किस लिए? उसका कस्टमर बेस लेने के लिए। सर फेसबुक अब चलाता कौन है? फेसबुक का जमाना है नहीं, बट फेसबुक को आपको पता है इंस्टाग्राम कस्टमर बहुत जमाना है। इंस्टाग्राम पे एड देख लो आप कैसे आ रही है। आप अगर कभी देखो इंस्टाग्राम पे एड कैसे, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर नहीं करता, फेसबुक बंद होने के कगार पे आ सकता था। फेसबुक ने क्या ले लिया? व्हाट्सएप से कस्टमर बेस ले लिया, कस्टमर बेस लिया, अब उन कस्टमर को पकड़ रहा है, उनके उस थ्रू ऐड करवा रहा है। आप चेक करो आपके फोन में कितनी ऐड आती होंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो तुम सोचते हो वो ऐड तुम्हें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। आपने कहीं पर सर्च किया मेरे को ये एक मान लो फॉर एग्जाम्पल टॉय चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप देखना आस पड़ोस के अंदर वही तुम्हें दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे तुमने सर्च किया वो तुम्हारा डेटा सेल कर दिया, डेटा तुम्हारा सेल कर दिया, उस कंपनी के पास इंफॉर्मेशन चली गई। तो फेसबुक ने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर करने के बाद। रिलायंस देख लो, रिलायंस हर फील्ड में घुसा हुआ है। आप कहीं भी जा रहे हो रिलायंस देखो, मैं दिखता नहीं, रिलायंस ट्रेंड हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, फिर दूसरा रिलायंस उसके अंदर मसालों के अंदर भी रिलायंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी, अभी उसकी डीलिंग चल रही है। उसके बाद रिलायंस हेमलेस, अगर आपको बताओ रिलायंस ने हेमलेस को एक्वायर किया, टॉयज एक हेमलेस कंपनी है, बहुत बड़ी टॉयज कंपनी है, रिलायंस ने भी उसको एक्वायर किया है। अभी रिलायंस और चल रहा है डिज्नी की डील चल रही है, रिलायंस और डिज्नी की डील चल रही है अभी, आपने सुना है डिज्नी का नाम, तो रिलायंस और डिज्नी की डील चल रही है अभी, कल परसों की बात है। तो ये सारी की सारी कंपनी क्यों कर रही है, क्या नीड है इनको? तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें बिजनेस एक्सपेंशन करना है या प्रॉफिट तुम्हें कमाने हैं, बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा पेपर सीआर का इसी के ऊपर बेस है। पहली बात तो समझो, इस पेपर में तुम्हें पढ़ने को क्या मिलेगा, पेपर में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और आपने एक सेक्शन, मुझे नहीं पता कंपनी लॉ में कितने अच्छे से पढ़े होंगे, एक सेक्शन है कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 230 से सेक्शन 240, पढ़े हैं कुछ आपने? बताओगे क्या है इसके अंदर? हैं क्या है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कुछ पढ़े हैं? थोड़ा बहुत किस किस में पढ़ा जी? अब तुमने पढ़े हैं वो सेक्शन, तुमने पढ़े हैं, तुम अब इसको फील करोगे। तुमने मे बी वो एक क्लास में खत्म कर दिए होंगे, हो सकता है वो 2 घंटे में तुमने खत्म कर दी हो सकता है वो 3 घंटे में खत्म हो गए हो, बट अब तुम इस सेक्शन की एक एक लाइन को फील करोगे। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन तुम सीआर खत्म करोगे, तुम लास्ट में एक ही बात बोलोगे, सर पूरा का पूरा सीआर इस 11 सेक्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसको ना जब हम पढ़ेंगे, इसको 11 सेक्शन मत समझना, ये पूरा का पूरा सीआर है 40 नंबर का। और ये बात मैंने अभी करंट बैच के बच्चों से बुलवाई है, क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हें इसकी लिंकिंग आएगी, हर चैप्टर में जो चैप्टर तुम पढ़ोगे 230 से 240 लिंक करेगा। और ये सारे के सारे अमलगामेशन मर्जर डीमर्जर के हैं, कि अगर कोई कंपनी अमलगामेट हो रही है, मर्जर हो रही है, डीमर्जर हो रही है, तो उसके क्या प्रोसीजर हैं, ये सारी की सारी बातें इस सेक्शन के अंदर आती है। और पूरा का पूरा सीआर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सीआर के अंदर ही तुम्हें टैक्स भी पढ़ने को मिलेगा। ये मत सोचना कि टैक्स से तुम्हारी जान छूट जाएगी, सीआर के अंदर ही तुम्हें अकाउंट्स भी पढ़ने को मिलेगा। सीआर के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा कि अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर से रिलेटेड किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा है वो 40 नंबर के सीआर में है। बात खत्म। ये है 40 नंबर का सीआर। मैं तुम्हें एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं कि अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर से रिलेटेड किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा है वो सभी एक्ट की इंटरलिंकिंग 40 नंबर के सीआर के अंदर है। अब चाहे वो टैक्सेशन में लिखा हो, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है अमलगामेशन का, पढ़ना पड़ेगा हमें, उसके बिना अकाउंटिंग कैसे करोगे तुम। इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अमलगामेटिंग कंपनी के लॉस, अमलगामेटेड कंपनी आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, इसके खर्चे वो आगे लेके जाती है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि अगर हम सीआर पढ़ रहे हैं अमलगामेशन से रिलेटेड, जैसे बायबैक की रेगुलेशन होगी, आपकी बायबैक की रेगुलेशन है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया आपका, वो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा आपने, सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 66, ठीक है, सेक्शन नंबर 68, ये आपने पढ़े होंगे, ये आपके इसके अंदर आएंगे जी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर से रिलेटेड
कुछ भी आपने किसी भी एक्ट में पढ़ा है, मैं कंपनी एक्ट नहीं कह रहा, ये मत सुना है कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में पढ़ा हो, फेमा पे पढ़ा हो, सिक्योरिटी लॉ के अंदर पढ़ा हो, टैक्स में पढ़ा हो, अकाउंट्स में पढ़ा हो, जहां जहां अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर के प्रोविजन होंगे वो सब कंबाइन करके इन्होंने 40 नंबर में डाल रखे। तो एक लाइन बोलने जा रहा हूं, सीआर का अपना कोई एक्ट नहीं है, सीआर का अपना कोई एक्ट नहीं है, बट ये बहुत सारे एक्ट का मर्जर है। सिंपल भाषा में ये समझ लो, आईबीसी का अपना एक पूरा कोड है, आईबीसी में मैं तुम्हें कंपनी लॉ में लेके नहीं घुसूंगा क्योंकि उसका अपना एक कोड है, वो हमें पूरा आईबीसी कोड पढ़ना है, पूरा एक प्योर एक्ट है, उसको पढ़ते चलेंगे समझ में आता रहेगा, पढ़ते चलेंगे समझ में आता रहेगा। बट जहां बात होगी सीआर की, तुम कहोगे सर इसका एक्ट कौन सा है, इसका कोई एक्ट ही नहीं है, इसका कोई भी एक्ट नहीं है, मर्जर अमलगामेशन ये कोई एक्ट में लिखा नहीं हुआ, ठीक है। बट काफी सारे एक्ट हैं उनका ये मर्जर है, कुछ सेक्शन कंपनी एक्ट से उठ के आ गए, कुछ सेक्शन सिक्योरिटी लॉ से उठ के आ गए, कुछ सेक्शन फेमा से उठ के आ गए, कुछ टैक्सेशन वाले आ गए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, इन सबको मर्ज करके 40 नंबर का सीआर उन्होंने बना दिया। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल, दो कंपनी हनी दो कंपनी है एग्जाम्पल के लिए, दो कंपनी को आपस में मर्ज करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, मेरे को लेटेस्ट मर्जर का एग्जाम्पल तुम दोगे या मैं तुम्हें दूं? चलो मैं तुम्हें देता हूं, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, सबको पता है। आपको पता पीवीआर और आईनोक्स का मर्जर हुआ, पीवीआर और आईनोक्स सब सेम होगा, आईनोक्स पता है जो जिसमें तुम मूवीज देखने जाते हो? नहीं। आईनोक्स देखा आपने कभी? नहीं देखा। मूवी देखी है? मूवी, अरे मूवी होती क्या, पता है क्या होता है मूवी देखिए? नहीं, बस जानना चाह रहा हूँ, कई बार नहीं पता नहीं होता ना, कई बार शरीफ बच्चे रहते हैं बड़े कि सर मूवी 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 क्या होती है, अरे राम 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 मूवी नहीं देखिए, मूवी वेब सीरीज देखी है? वेब सीरीज देखी, मिर्जापुर देखी? ओ माय गॉड, ओ तेरी, मिर्जापुर सबने देखी है? हाँ, नहीं देखनी भी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखी है तो देख ली है, नहीं देखी है तो मत देखना, ठीक है? नहीं, उसके अंदर बहुत ज्ञान की बातें हैं, इतना ज्ञान अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए जो ज्ञान जरूरी है हम वही ले लें, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ज्ञान बट रहा है, तो वो ज्ञान अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमारे लिए अभी ये वाला ज्ञान काम का है। तो पीवीआर और आईनोक्स का मर्जर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है अभी अदानी ने अंबुजा सीमेंट को लिया, अदानी पता है अदानी कौन है? बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अदानी ने अंबुजा सीमेंट को लिया, अदानी ने चैनल था एनडीटीवी उसको एक्वायर किया, ठीक है। एक आपने सुनिए मोज ऐप है, मोज मोज सुनिए आपने मोज, और एक क्या टका टक है, शायद मैं कहते टका टक है ना कोई, आप टिकटॉक नहीं टका टक, पता आपने किस किस को पता टका टक ऐप? अच्छा कोई मेरे को बताएगा टका टक में क्या होता है, हैं? टकाटक में जैसे यार मतलब आपको टिकटॉक पता ना, टिकटॉक उसका छोटा वर्जन मान लो, जिसमें लड़के लड़कियां बन जाते हैं, लेने से पूरी वीडियो वायरल हो जाती है, आपने देखा ना, मतलब वो कच्चा बादाम ये सारी हरकतें उसके अंदर चलती हैं, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं ऐसा, ऐसे नॉर्मली छोटी छोटी शॉर्ट्स उसके अंदर बनती हैं। तो ये अब क्या हुआ, मौज और टकाटक इन दोनों का भी मर्जर हुआ। तो बहुत सारे मर्जर के एग्जाम्पल है दुनिया जहान के, हम पढ़ेंगे, बस मैं तुमको बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं, जैसे मान लो एक कंपनी का मर्जर हुआ जी, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ये लो, वोडाफोन, ये मैं तुम्हें ना लिखने की बजाय तुम्हें दिखाई देता हूं यहां पे, ये लो जी। अब सुनो ध्यान से, अब ये दो कंपनी आपके सामने आपको दिख रही हैं जी, ये दो कंपनी आपको सामने यहां पे दिख रही हैं, और मुझे थोड़ा सा बस मेरे को हिंट देना जितना आपको पता है, चैप्टर हमने कोई स्टार्ट नहीं किया हुआ ना, मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट करवाया अभी, सिर्फ बेस क्लियर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा आपका। ये कंपनी है आइडिया और ये कंपनी है वोडाफोन, ये दोनों आपस में मर्ज होकर नई कंपनी कौन सी बन गई? वीआई। अब सुनो क्या है सीआर में क्या पढ़ना है, सुनो क्या पढ़ना है कि जब ये दो कंपनी मर्ज होंगी तो सबसे पहला स्टेप कैसे होंगी, तुम सीएस बन गए, कुछ ही घंटे बाकी हैं बस, प्रोफेशनल में तुम आ चुके हो,
दिसंबर में पेपर है, सीएस की डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी और तुम फिर बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे। अब एक क्लाइंट तुम्हारे पास आया, वो तुमसे क्या पूछेगा कि सर हम दो कंपनी है आपस में मर्ज होना चाहती है। तो अगर हम कंपनी मर्ज होना चाहती हैं, अब आप बताओ क्या करें, हम हमारे ऊपर कौन कौन से रेगुलेशंस लगेंगे, सेक्शन लगेंगे, अब आप बताओ। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये दो कंपनी मर्ज होना चाहती हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा, ये मर्ज कैसे होंगी, मतलब मर्ज कैसे होंगी का मतलब, अगर ये दो कंपनी मर्ज होने चाह रही हैं इनको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, बस दिमाग में तो ये आएगा भाई। अगर मान लो ये कंपनी इसमें मर्ज होना चाह रही है, कौन कौन से प्रोसीजर है भाई, एनसीएलटी के पास कौन जाएगा, कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, मीटिंग्स कैसे बुलाई जाएगी, मेंबर्स की मीटिंग कैसे होगी, क्रेडिटर्स की मीटिंग कैसे होगी, अप्रूवल कैसे होगी, एक स्कीम तैयार होगी, पता आपको एक पूरी स्कीम तैयार होती है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, उसके अंदर ये बातें डिसाइड होती हैं, ये कंपनी आपस में मर्ज कैसे होना चाह रही है, इसके शेयर होल्डर को इसके शेयर होल्डर इसके शेयर्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, कैसे शेयर्स मिलेंगे, रेशियो क्या होगी, सबसे पहला काम तो ये। दूसरा ये होगा, जब ये कंपनी आपस में मर्ज होगी तो क्या पता ये भी तो हो सकता है कि जब ये कंपनी जो इनके शेयर होल्डर होंगे अब उसको इसके शेयर मिलेंगे, जब इसके शेयर मिलेंगे इस कंपनी के, तो मैं भी अगर आपको बताऊं, एक कंपनी होती है अमलगा मेटिंग कंपनी, एक कंपनी होती है अमलगा में पीड कंपनी, जो अगली कंपनी होती है, यह कंपनी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, यह कंपनी कौन सी है अमलगा मेटिंग, यह कंपनी कौन सी है अमलगा में, तो इस कंपनी के शेयर होल्डर को इसके शेयर मिलेंगे, अब अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर को इसके शेयर मिलेंगे तो इसको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, क्या पता इसकी ऑथराइज कैपिटल पहले ही पूरी हो चुकी हो, तो क्या इसको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो फिर वो सेक्शन, ठीक है जी। और फिर अगर मान लो कंपनी मर्ज हो रही है, अगर मान लो कंपनी मर्ज हो रही है, इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से इनको अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ रही है, तो फिर बात रिडक्शन की आएगी, फिर बात किसकी आएगी, रिडक्शन की आएगी। अगर ये कंपनी मार्केट से अपने शेयर बायबैक करना चाहती है, फिर बात किसकी आएगी, बायबैक की आएगी जी। ये सारी बातें समझ में आ रही है। दूसरी बात, इसने कहा ठीक है, ये तो आप मेरे को बता रहे हो, ये बताओ कि हमारे ना ये वोडाफोन आइडिया कह रही है कि हम दो कंपनी मर्ज हो रही हैं तो हमारे लॉसेस भी हैं कुछ, तो क्या अब ये नए वाली कंपनी, ये जो नई कंपनी बन रही है, क्या हमारे लॉस आगे लेके जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है इन्होंने कुछ खर्चे किए हो, वो खर्चे इनको फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स में अलाउड होते हो 10 साल में, और अब कंपनी अमलगामेट हो गई है, 5 साल इन्होंने अलाउड किए, 5 साल भी और बचे हैं, तो ये जानना चाह रही है क्या वो जो खर्चे हमारे बचे हैं क्या वो ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, तो इसके लिए किसकी बात आएगी, अब टैक्सेशन की। फिर दूसरा, इसका अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करनी है, इसके लिए किसकी बात आएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात आएगी। फिर अगर ये कंपनी अमलगामेट मर्जर हो रही है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से मेंटेन करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके पास होने चाहिए, आपको बताओ जब कंपनी मर्ज होती है तो कंपटीशन एक्ट भी लगता है, चेक करते हैं इनके मर्ज होने से मार्केट में कंपटीशन खत्म तो नहीं हो रहा, तो वहां पे सीसीआई बीच में आ जाता है, तो ये सारे अप्रूवल मिलने के बाद तब जाके क्या होता है, एक कंपनी का अमलगामेशन या मर्जर होता है। तो आप मेरे को बताओ क्या हम एक किसी एक्ट की बात कर रहे हैं या मल्टीपल एक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं, हम जब सीआर पढ़ेंगे तो हम किसी एक एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते सर सीआर का एक्ट कौन सा है, सीआर का कोई भी एक्ट नहीं है, और सीआर के ही सारे एक्ट हैं। मैं अपनी क्लास में ना, पहली क्लास में, अभी तो मैं आप दिखाऊंगा नहीं, आने वाली क्लास के अंदर मैं अपनी क्लास में ये फोटो दिखाता हूं, ये सीआर है, ये सीआर है जी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप कहोगे ये कौन है, अगर आप कहोगे इसमें से सही कौन है, तुम बताते हो इनमें सही कौन है, भगवान शिव भी अपना कभी ये रूप दिखाते हैं, भगवान विष्णु भी अपना कभी वो रूप दिखाते हैं, ठीक है ना, भगवान भाई साहब कृष्ण भगवान ने भी ये रूप दिखाया, राम भगवान ने भी दिखाया, ठीक है। तो क्या इसका कोई एक पर्टिकुलर रूप है, आंसर इज नो, बट ये अनंत रूप को मिलाकर एक रूप बना है, वही सीआर है। सीआर का कोई अपना एक्ट नहीं है, बट अलग अलग एक्ट में इसके टुकड़े पड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को उठाकर इसमें डाल दिया गया और एक पेपर बना दिया गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो भैया अगर कोई कंपनी अमलगामेट होनी है तो ये सब सेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन है, इसको तुम फॉलो कर लो, काम हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है जी? तो ये बातें हमें थोड़ी थोड़ी सीआर के अंदर पढ़नी है। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा था,
अच्छा ये देखो जी, ये सारे के सारे, वैसे मैंने लिखे हुए, आज मेरे को दिखाना नहीं था बट तुम्हें दिखा देता हूँ। ये सारे कुछ एक्ट हैं जो इस सीआर से इंटरलिंक करते हैं, ठीक है जी। आपका कंपनीज एक्ट हो गया, इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी, फिर आपका सेबी कंपटीशन इनकम टैक्स एक्ट, फेमा, स्टैंप ड्यूटी, लेबर लॉ, सेबी टेक ओवर, आरबीआई रेगुलेशन। बट इसको देख के घबराना मत, ठीक है ना, इसको देख के घबराना मत, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे के पूरे एक्ट नहीं पढ़ने। मैंने क्या बोला, इस एक्ट में अमलगामेशन मर्जर से रिलेटेड जो जो सेक्शंस होंगे बस वो पढ़ने हैं जी, ठीक है ना। तो पूरा कंटेंट पूरे एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हमारे सिलेबस में होंगे वो हमें पढ़ के चलने हैं, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है, पक्का पक्का। चलो अब तुम एक बार ऐसा करो, अब एक वो लाए हो आज, आज तो कॉपी कॉपी लाए नहीं होंगे, लाए हो पक्का। एक बार थोड़ा सा पेज खोलना, एक बार पेज खोल लो, मतलब नोटबुक खोलो एक बार। एक पॉइंट बस मुझे लिखवाना है, एक डेफिनेशन लिखवानी है बस। अच्छा आज तो रफ लाए हो गए, आज फेयर तो नहीं लाए होंगे ना, मतलब इसी में ही लिख रहे हो सारा कुछ। चलो सुनो ध्यान से, अब आपको अगली क्लास से हमारी स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। एक तो नोटबुक आपको लेके आनी है, हम पहले स्टार्ट करेंगे आईबीसी, ठीक है ना, पहले स्टार्ट करेंगे आईबीसी 140 मार्क्स का, ठीक है, उसको हम पूरी जान तरीके से करेंगे। वैसे मेरा भी सीआर चल रहा है, मैं चाहूं तो तुम्हें सीआर भी स्टार्ट करवा सकता हूं, बट मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करा रहा, रीजन क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि पहले 140 मार्क्स को मजबूत करें। और सुनो ध्यान से, मैंने आपको शायद उसके अंदर भी कहा था कि 100 नंबर का जो इलेक्टिव है उसको आप इलेक्टिव मान के नहीं चलोगे, और ना मैं इलेक्टिव के में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ये कि वो 100 नंबर का मैंडेटरी पेपर है, ताकि जब तुम इलेक्टिव पेपर देने जाओ तुम ये फील ना हो कि वैसे हमें बुक्स बार बार खोलनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो मैं ये मान रहा हूं कि हमें 140 मार्क्स का आईबीसी पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ेंगे आईबीसी। तो आपने नेक्स्ट क्लास में 3 नोटबुक लेके आनी है, 3 नोटबुक ऐसे, एक तो होगी 400-500 पेज की जो मेन होगी, उसके बाद आपको एक पतली सी नोटबुक लेके आनी है 100 पेज की जो केस लॉ की होगी, ठीक है, और एक लेके आनी है उससे अगर पतली मार्केट में मिलती है तो ठीक, ये तो 100 पेज की ही लेके आना, वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए। 3 आईबीसी की नोटबुक आपको बनानी है, ठीक है, उसमें ही हम क्लास में नोटिंग करेंगे। और आपको बुक्स कैसे कैसे मिलेंगे थोड़ा सा बता दूं आपको, आईबीसी की आपको टोटल मिला के 3 बुक्स मिलेंगी। 3 बुक कैसे, एक तो बेयर एक्ट मिलेगा, ठीक है, मेरे काम का तो वो है, मैं तुम्हें 2 बुक्स इसलिए दे रहा हूं कि एक बच्चे को होता है सर हमें बुक चाहिए, तो वो 2 बुक तुम्हारे पास पड़ी रहेंगी, मैं तुम्हें क्लास में खोल के जरूर दिखाऊंगा, बट हम पूरा का पूरा बेयर लो से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा हम बेयर लो पढ़ के चलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, देन मैं क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, वो अपने आप ही एक बुक आपकी और तैयार हो जाएगी। तो 3 बुक मिलेंगी आपको आईबीसी की, 1 बुक मिलेगी आपको सीआर की, ठीक है। केस लो की बुक्स मैं आपको क्लास में बनवाई दूंगा, जहां जहां केस लो होंगे, और पॉइंट्स मैं आपको क्लास में लिखवा दूंगा। तो 3 बुक मतलब 3 और 1 4 बुक्स आपको हो गई, 4 बुक्स और 3 नोटबुक, टोटल 7 चीजें हमारे काम की हैं पेपर के लिए, ये बात ध्यान देना बस, ठीक है जी। तो 3 नोटबुक आपको नेक्स्ट क्लास में आईबीसी के लिए क्या आनी है, हम नेक्स्ट क्लास में आईबीसी स्टार्ट करेंगे। बट अभी एक बार जो भी लाए हो जिसमें भी लिख सकते हो लिख लो, लिखो एक बार, लाइव वाले बच्चों ने भी लिखना है जी, लाइव वाले बच्चों ने भी लिखना है। लिखो जी, सबसे पहले तो आप ये लिख लो, मैं लिखवा देता हूं पहले, लिखो जी। अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इसको मेन नोटबुक के अंदर लिख लेना, घर जाके जो भी तुम बनाओगे उसमें लिख लेना। पहले तो एक लाइन लिखो, सबसे पहले जो मैं क्लास में लिखवाता हूं, एग्जीक्यूटिव में भी शायद आपने लिखी होगी अगर पढ़ा है आपने मुझसे, नहीं पढ़ा तो अब लिख लो, एक लाइन लिखो, वहां लिखनी है जहां तुम्हें दिखे ये लाइन, जहां तुम इसको बार बार देख सकते हो, ठीक है, लिखो जी। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम, टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी।
पेरेंट्स की जगह आपने किसी और का नाम लिखना है, वो आपकी मर्जी है। नहीं, कई बार होता है ना, बच्चा कहता है मेरा बाबू, मेरा नोनू, मेरा शोनू, तो जो भी आपका कोई वेट कर रहा है उसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपका सीएस बनने का। तो ये लाइन आपको हमेशा मोटिवेट करेगी गलत डायरेक्शन में जाने से, कि आपको वहां नहीं जाना, आपको सही डायरेक्शन में आना है जी, ठीक है जी। चलो अब यहां पे लिखो जी, सबसे पहला लिखो, पेपर का नाम डाल दो ऊपर, पेपर CRVI प्लस में IBC, मतलब ये अगले पेज पर डालना। अच्छा, अब आप नई नोटबुक तो लाई नहीं ना, नई नोटबुक में जहां लिखोगे ना, पहले 3-4 पेज छोड़ देना, रीजन क्योंकि वहां पे इंडेक्स बनाना है हमें, ठीक है। तो इंडेक्स के 4 पेज छोड़ के फिर आगे लिखना स्टार्ट करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लिखना आपने, 4 पेज पहले ब्लैंक होने चाहिए, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है। पेपर का नाम लिखो CRVI प्लस में IBC, यहां लिख लो जी आपका 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक है। पेपर हमारा 200 नंबर का है। अब 200 नंबर के यहां पे 3 बाइफरकेशन कर लो, पहले एक तो बाइफरकेशन करो CR, ठीक है। सेकंड यहां पे बाइफरकेशन कर लो वैल्यूएशन, और यहां पे कर लो फिर आपका इंसॉल्वेंसी, ठीक है जी। अब इंसॉल्वेंसी कोमा लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ठीक है जी। अब ये CR वाला पोर्शन जो है 40 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स, और ये जो है कितने नंबर, 140 मार्क्स, ठीक है। ये 3 पैटर्न है बस। उसके बाद CR 40 नंबर का जो है, मैं लाइन में लिखवा रहा हूं कि 40 नंबर में तो पढ़ना क्या है, चैप्टर के नाम तो मैं लिखवा दूंगा, बट क्रक्स क्या है, 40 में है क्या, इसका बेस क्या है। एनी प्रोविजन रिलेटेड टू अमलगमेशन, मर्जर और डीमर्जर कंटेन इन एनी एक्ट, एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन मैं लिखवा रहा हूं अभी, कोई भी प्रोविजन अमलगमेशन मर्जर से रिलेटेड किसी भी एक्ट में है, किसी भी एक्ट में है, वो सब 40 नंबर के CR में है। ये करक्स है, जब तुम इसको पढ़ोगे दिमाग में ये सेट करके पढ़ना कि पूरे CR में हमें यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी प्रोविजन किसी भी एक्ट में किससे रिलेटेड है, मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर इनसे रिलेटेड है, तो वो हमें CR के अंदर पढ़ने हैं। तो लिखो यहां पे करक्स ऑफ सब्जेक्ट, डिटेल तो मैं लिखवाई दूंगा अभी, क्रक्स लिखोगे तुम्हें पढ़ना क्या है इसमें। एनी प्रोविजन, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ब्रैकेट में मर्जर अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्विजिशन डीमर्जर एटसेट्रा, ठीक है जी। एनी प्रोविजन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कंटेन इन एनी एक्ट, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एन अरेंजमेंट कंटेन इन एनी एक्ट। We have
टू डिस्कस इन सीआर पेपर। लोज ये क्रक्स है। अब तुम सीआर जब हमारा खत्म होगा तुम मेरे को इस लाइन पे वापस लेके आऊंगा, तो मुझे खुद कहो कि बात आपकी सही थी। ठीक है, निचोड़ ही है इसका कि कोई भी प्रोविजन अमलगामेशन मर्जर डी मर्जर से रिलेटेड तुमने कहीं भी है किसी भी एक्ट में वो मैं यहां पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कंपनीज एक्ट का है। अब मैं तुम्हें एक्ट के नाम नहीं बताऊंगा, किसी भी एक्ट का, मैंने बोल दिया ना, इनकम टैक्स है, कंपनीज एक्ट है, अकाउंट्स है, सिक्योरिटी लॉ है, कंपटीशन एक्ट है, कोई किसी भी एक्ट में जहां जहां होगा वो सब यहां पे अपने आप आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहां पे आओ वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में क्या पढ़ने को मिलेगा, वैल्यूएशन में बताओ जी, वैल्यूएशन में क्या पढ़ने को मिलेगा कि जब भी किसी कंपनी का मर्जर अमलगामेशन होगा तो उसमें शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं। अब वो शेयर्स की वैल्यू किस तरह से निकल जाएगी, कंसीडरेशन किस तरह से डिटरमाइन होगा, तो ये सारी बातें वैल्यूएशन में है। तो लिखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स और बिजनेस, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स और बिजनेस कंटेन अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है जी, ये जितने भी इससे प्रोविजन है वो सारे के सारे इन प्रोविजन के अंदर आएंगे वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था बताओ जी, क्या इंसॉल्वेंसी में क्या पढ़ने को मिलेगा बताओ, इंसॉल्वेंसी में क्या पढ़ने को मिलेगा तुम्हें, 140 नंबर में क्या पढ़ोगे बताओ। बच्चा कह रहा आईबीसी। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा था कहीं इंग्लिश पढ़ने को ना मिले। हाँ जी जी रेजोल्यूशन प्लान। चलो और प्रोसेस किस चीज का, वाइंडिंग अप तो करना ही नहीं ना, सुनो ध्यान से। इंसॉल्वेंसी में क्या पढ़ने को मिलेगा 140 मार्क्स में, कोई भी पर्सन, मैं दोबारा बोलूंगा कंपनी नहीं, कोई भी पर्सन अगर डेट पे करने के अनेबल हो जाता है, कोई भी पर्सन अगर डेट पे करने के अनेबल हो जाता है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को हम रिजोल्व कैसे करेंगे, ये सारी बातें 140 नंबर में। और अगर रिजोल्व नहीं हुई तो वाइंड अप कैसे करेंगे, ये भी 140 मार्क्स में। दो चीजें पढ़नी है, कोई भी पर्सन जो डेट पे करने के अनेबल हो गया, वो कह रहा मैं डेट पे नहीं कर पा रहा, तो अब वो किस अवस्था में आ गया। दोबारा से कोई बात नहीं, मैं डेट पे करने के अनेबल हो गया तो मैं किस अवस्था में आ गया, इंसॉल्वेंसी की। आप समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी पर्सन अगर डेट पे करने के अनेबल हो गया तो वो किस अवस्था में आ गया, तो इस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कैसे करूं। एक तो ये पढ़ना है, अगर वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो इसको वाइंड अप कैसे करना है लिक्विडेशन का प्रोसेस फॉलो करके, तो भी हमें यहां पढ़ना चाहिए। तो बस दो चीजें पढ़नी है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्व कैसे होगी, नहीं हुई तो कंपनी वाइंड अप कैसे होगी। एक बच्चा कहता है सर वाइंड अप तो कंपनी होती है, अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हुआ तो बैंकरप्ट, एक वर्ड यूज करते हैं बैंकरप्ट, वो भी यहां पर है। तो इस कोड का नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है ना, तो लिखो यहां पे, इसमें हमें क्या पढ़ना है, एनी पर्सन वेदर कंपनी इंडिविजुअल फॉर्म एटसेट्रा, एनी पर्सन अनेबल टू पे डेट विच इज
या विच वॉज ड्यू एंड पेबल, कि वो ड्यू एंड पेबल था. एनी पर्सन वेदर इंडिविजुअल कंपनी फर्म एटसेट्रा अनेबल टू पे डेट्स विच वॉज ड्यू एंड पेबल. तो दो केस हैं इसके, ठीक है. हाउ टू रिजोल्व इंसॉल्वेंसी ऑफ सच पर्सन, उसकी इंसॉल्वेंसी को हमें रिजोल्व कैसे करना है, ठीक है, ताकि वो बंद ना हो, वो कंपनी रिवाइव हो जाए, दोबारा से कंटिन्यू हो, किस तरह से हम क्या काम करें, एक तो ये पढ़ना है, ठीक है. आगे सेकंड पढ़ना है लिक्विडेशन वाइंडिंग अप प्रोसेस. इफ इफ बोलो इंसॉल्वेंसी नॉट रिजोल्व, अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं हुई तो फिर इसको वाइंड अप या लिक्विडेशन करने का क्या प्रोसेस होगा, तो ये हमें पढ़ना है. ये चीज है, देखो ये आपके तीन पेपर का क्रक्स है, ठीक है ना. डिटेल तो भी स्टार्ट होगी होगी, ऑब्वियस ही बात है, बट मैं तुम्हें क्रक्स बताया कि तुम पढ़ने क्या जा रहे हो. बात समझ में आ रही है? अब मेरे को एक बार दोबारा बताओ, 40 नंबर में क्या पढ़ने को मिलेगा तुम्हें? फिर वही सीआर ना लाएगा, वो तो मुझे ही पता है सीआर पढ़ने को मिलेगा. मतलब सीआर में क्या पढ़ने को मिलेगा, सीआर में क्या पढ़ोगे तुम, हैं, कि कोई भी प्रोविजन रिलेटेड टू मर्जर नहीं बोलोगे, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कोई भी प्रोविजन जो किससे रिलेटेड है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, किस एक्ट में, किसी भी एक्ट में, वो तुम्हें कहां पढ़ने को मिलेगा, सीआर में. ये 40 नंबर का ये लाइन तुम्हें याद हो गई ना, अब तुम्हें समझ में आएगा सीआर में पढ़ना क्या है. क्योंकि जब तुम वो लाइन पढ़ोगे दिमाग में एक इमेज होगी, ये प्रोविजन किससे लिंक करता होगा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट से. दूसरा वैल्यूएशन में क्या पढ़ने को मिलेगा, जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा तो शेयर्स की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू. बिजनेस की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू. तो वो सारी बातें कहां पे होंगी, वैल्यूएशन. आईबीसी में क्या पढ़ने को मिलेगा, अगर कोई पर्सन डेट पे करने के अनेबल हो गया, वो डेट ड्यू एंड पेबल था, वो पे नहीं कर पाया, अब आगे क्या करें, उसकी इंसॉल्वेंसी को क्या करें, रिजोल्व. अगर नहीं हो रही तो क्या ये दोनों बातें आईबीसी के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, यस ये है जी. तो ये तीन पॉइंट आपको बस आपको 200 नंबर के अंदर पढ़ने, और कुछ भी नहीं है जी, ठीक है. ये तीन पॉइंट खत्म, हमारा सिलेबस खत्म जी बस, और ऑलमोस्ट आज हमने सिलेबस खत्म कर दिया है. ओके जी, बाय बाय, ठीक है जी. तो ये आपका पेपर का पैटर्न है. चलो अब अगला पॉइंट लिखो यहां पे, ये तो आपको मैंने बता दिया पेपर में तुम्हें पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का वो भी देख लिया. अब आगे लिखो एक पॉइंट, ये था आपका पॉइंट नंबर वन, अब लिखना एक बार पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू लिखो जी, पॉइंट नंबर वन ऊपर था, पॉइंट नंबर टू ये लिखो जी. पॉइंट नंबर टू में मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं. अच्छा एक बार आपको ना आपका मॉड्यूल दिखा देता हूं यार, आपने देखा है वैसे अभी तक, हैं, आ गया घर में आ गया. अच्छा ऑनलाइन, इतनी एक्साइटमेंट, ओह माय गॉड. एग्जी मेरे पढ़ा होगा कभी प्रोफेशन. अच्छा पेज गिन रहे थे कितने हैं, और किस किस वैसे मॉड्यूल खोल के देख लिया. ओ ऐसे एक बात है, प्रोफेशनल में आने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है. एग्जी में चाहे मॉड्यूल खोले हो ना खोले हो, प्रोफेशनल में बच्चा पहले यही देख रहा है क्या पढ़ना है मुझे. ये वेबसाइट है पता आपको जी, ये तो पता है ना आपकी वेबसाइट है. चलो अब इसमें अगर मुझे मॉड्यूल डाउनलोड करना है कहां जाऊं, हैं, अकेडमिक पोर्टल बताते रहना, मुझे पता नहीं है. अकेडमिक पोर्टल ये राज, उसके बाद ये रहा न्यू सिलेबस, ठीक है. उसके बाद ये स्टडी मटेरियल, ओ उसके बाद एग्जी. अच्छा यार तमीज से प्रोफेशनल में आ चुके हैं, अब नहीं सुनेंगे. अरे देखो कितनी खुशी है चेहरे पे तुम्हारे, एक अलग ही फीलिंग आ रही है तुम्हें भाई साहब. बच्चा कह रहा है एग्जी छोड़ दो सर प्रोफेशनल. अच्छा कौन सा खोलें जी यहाँ पे,
एक तो आपका हम खोल लेते हैं यहां पे, ये राजी पेपर नंबर 6, ठीक है, कितने पेज का है? 786 पेज का मॉड्यूल है, ठीक है। एक तो एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं, आपको एक बार दिखा दूंगा। ये रंग देखो, रंग भाई साहब पिंक रंग का मॉड्यूल है, आगे देखो। और ये रहा हमारा इंसॉल्वेंसी का, कितने? 458। तो टोटल कितना हो गया? नहीं नहीं टोटल 200 नंबर में कितना पढ़ना है हमें? हैं 1180 ना, गलत कैलकुलेशन, गलत। कितना पढ़ना है? बच्चा क्या कह रहा है? टैक्स, टैक्स नहीं था इसलिए। नहीं नहीं एक बार दोबारा बोलो ना, उसमें कितना था? 780, इसमें कितना है? 458। कितना पढ़ना है? अरे क्या हो गया, मैथ मैथ तो आता है ना, या मैथ ही भूल गए बिल्कुल ही? कितना आ रहा है टोटल? हैं भाई राम, भाई क्या हो गया तुम्हें? सही हो ना तुम, तबीयत तो सही है तुम्हारी। कितना आ रहा है? 786 प्लस में 458, 1244, यही आ रहा है ना। बट इतना नहीं पढ़ना, उसका रीजन है क्योंकि जो 40 में आईबीसी है तो वो पेज दोबारा 100 नंबर के अंदर भी तो है। ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नहीं आई मेरी बात समझ में। भाई जो 40 में आईबीसी है वो इस 100 नंबर के अंदर भी दोबारा से कॉपी है ना। तब ये मान लो 250-300 पेज उड़ा दो, तो मतलब हमें 1000 पेज पढ़ने हैं 200 नंबर के अंदर। आई थिंक अच्छा सौदा है, फायदे का है, 500 पेज तो सही है मेरे ख्याल से, इतना तो चलना चाहिए, ठीक है। तो बस ये है आपका, ठीक है। तो बस आप ये मान के चलो कि हमें 1000 पेज पढ़ने हैं टोटल, क्योंकि जो इसके अंदर 458 पेज है वो कुछ पेज सेम है स्टार्टिंग के 200-250 पेज, मतलब जो उनका आईबीसी के अंदर। आपको मैं दिखा भी देता हूं, एक बार यहां पर मॉड्यूल खोल के दिखा देता हूं। अच्छा आपको मैं एक चीज और दिखा रहा था, ये देखो, आपको मैं न्यूज दिखा रहा था ना लेटेस्ट वाली, ये देखो। ओहो ये क्या हो गया? ये देखो आपको मैं न्यूज दिखा रहा था ना, तो मर्जर किसका होने वाला है? ये कब की न्यूज है? आज क्या है? 5 मार्च, लेटेस्ट ही न्यूज है। तो यहां पे अभी मर्जर किसका हो रहा है? डिज्नी और रिलायंस, ये डील ऑलमोस्ट चल रही है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट अभी डील अभी चल रही है, रिलायंस और डिज्नी का मर्जर। जब इसका मर्जर होगा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम कैसे होती है। हम क्लास में काफी सारी स्कीम खोल के दिखाते हैं। अभी टाटा कंपनी ने अपनी एक आपको बताया ईवी आती है, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, और दूसरा उसके आते हैं गुड्स व्हीकल जो आते हैं, उन दोनों को उसने सेपरेट किया अभी। तो क्लास के अंदर मैंने वो स्कीम दिखाई थी, और प्रैक्टिकली वो भी कल की न्यूज है। अभी मेरे पास आपको मैं दिखाता हूं, अभी सुबह ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर जो आपने क्लास में स्कीम दिखाई थी ना, कुणाल एक स्टूडेंट है मेरा करंट बैच का ही, तो देखो उसने ना मेरे को फोटो भेजी है सुबह ही, ये वाली ये भेजी है उसने टाटा कंपनी की, कि सर आपका एग्जाम्पल रियल हो गया। हमने क्लास में स्कीम डिस्कस की थी, और मैंने क्लास में कहा था कि बहुत जल्दी तुम्हें न्यूज देखने को मिल जाएगी, वो आज ही न्यूज आ गई उसकी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम कई स्कीम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर होते हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, अब एक बार आ जाओ यहां पर, आपको मेरे को दिखाना है मॉड्यूल। लो जी ये रहा आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, और ये रहा इंसॉल्वेंसी का। आ जाओ फटाफट से, लो जी एक बार देखो यहां पे जी, 3 पार्ट उन्होंने बना रखे हैं। पहला पार्ट कौन सा है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरा कौन सा दिया हुआ है? वैल्यूएशन। और तीसरा कौन सा दिया हुआ है? इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग, वही बात बोली है। अब यहां पर एक बार चेक करना, देखो जी ये इन्होंने यहां पर दिया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में टोटल लगे कितने चैप्टर हैं जी? 11। सीआर में 11 चैप्टर हमें कवर करने हैं, और उसके बाद वैल्यूएशन में कितने चैप्टर हैं यहां पे? 2 चैप्टर वैल्यूएशन में है। आईबीसी में कितने हैं? 14 से लेकर आपके कितने आ रहे हैं जी? 26। तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान लो 13 चैप्टर, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट 13 चैप्टर किसमें है? आईबीसी में, और 11 किसमें है? सीआर में, और 2 किसमें है? तो टोटल मिला के 26 चैप्टर हमें कवर करने हैं सीआर के अंदर जी, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है आईबीसी,
ये लो जी, यहां से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर, कहां से स्टार्ट हो रहा है 400, तो 400 से लेके आपका 786 कितने पेज हो गए 386 ना, तो 1244 में से 386 माइनस कर लो, मतलब 458 पेज का आईबीसी का मॉड्यूल है ना ये वाला, तो इसमें 386 तो वही है जो उसके अंदर है, वो तो सेम ही है, उसके बाद जो एडिशनल पेज हैं वो आपके बाकी के हैं। तो आप बस ये मान लो कि 1244 में से 386 माइनस करके अप्रोक्सिमेट 900 बच गया कुछ, हाँ बताओ 850 पेज 200 नंबर बच गया। तभी तो चाहते हैं टैक्स ना हो, अगर टैक्स होता तो एक ही मॉड्यूल 800 पेज का होता, और ये बात आपकी सही है, एग्जीक्यूटिव में टैक्स का मॉड्यूल है 1000 पेज का, बजट तड़प जाता है अंदर से भाई साहब, खत्म हो जाता है बिल्कुल ही, टैक्स का मॉड्यूल 1000 पेज का एग्जीक्यूटिव में, और यहां पे 200 नंबर का कंटेंट आपके सामने है 850-900 पेज के अंदर है जी, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस करना है, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं चैप्टर हमें कौन कौन से पढ़ने को मिलेंगे, एक बार फटाफट से आ जाओ जी, चैप्टर नंबर 1 एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, इसको बस आराम देखेंगे, पहले एक बार चैप्टर पढ़ना, हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स क्या क्या है भाई, किस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल मर्जर, अमलगमेशन, डी मर्जर, एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन, तो ये सारे के सारे टाइप्स आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 है एक्विजिशन ऑफ कंपनी और बिजनेस, अगर तुम्हें किसी कंपनी को एक्वायर करना है, अगर तुम्हें किसी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करना है कैसे करोगे, या तो मे बी आपने सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा होगा टेक ओवर कोड, तो वो टेक ओवर कोड चैप्टर नंबर 2 है, अगर तुम्हें किसी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करना है, एसेट एक्वायर करनी है, तो कैसे टेक ओवर, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मालूंगा अपने एग्जीक्यूटिव में कुछ पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, मुझे नहीं पता कि आपने एग्जी में क्या पढ़ा है, हम बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, तो जो भी टेक ओवर कोड आपको पढ़ना होगा वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 3 आपका है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, अगर किसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी से मर्ज होना है तो उसकी प्लानिंग, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल सेक्शन 230 से लेकर 240 के कुछ प्रोविजन तुम्हें चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि किस तरह से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, क्या क्या प्लानिंग्स तुम्हें करनी होती है, उससे पहले प्री मर्जर से पहले तुम्हें कौन कौन सी बातें देखनी है, तो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 3 के अंदर आनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस ऑफ M&A, M&A कैसे होगा, कोई अगर मान लो दो कंपनी को मर्ज करना है कैसे करें, एप्लीकेशन कौन डालेगा, किस फॉर्म में एप्लीकेशन जाएगी, मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग कितने वोटिंग में प्रूव होगी, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर है प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रोसेस जो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन, बेकार का चैप्टर है, फुद्दू सा एक चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, की कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एग्जाम में बनता है नहीं बनता वो एक, मतलब ये लगा लो 4-5 नंबर का बनेगा तो बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन, सबसे छोटा चैप्टर सीआर का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं जब भी कोई मर्जर अमलगमेशन होगा। आगे जी अकाउंटिंग, AS, मैंने कहा था ना अकाउंट्स भी आएगा, अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो AS 14 और IND AS 103, ये चैप्टर मैं बता रहा हूं आधे बच्चे छोड़ के जाते हैं, उसका रीजन है सर देखो अकाउंट्स और टैक्स वही करा पाएगा इसमें जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखो मेरे को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत नहीं आती, उसका रीजन है टैक्स की दुनिया मेरे अंदर समाई हुई है और अकाउंट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि सीए के अंदर हम अकाउंट्स हमने पढ़ा ही हुआ है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके दोस्त या कोई भी नॉर्मली वो छोड़ के जाता है, रीजन क्या है, अगर वो करके भी जाएंगे तो बहुत कंसाइज वे में करके जाएंगे, बट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, और फिर बच्चा कहता है सर 5 नंबर का तो बना, बात 5 नंबर की नहीं है, उनसे पूछो जिनके 40 या 39 नंबर है, वो एक नंबर के लिए तरस रहा है कि 40 ही आ जाए एग्रीगेट बन जाएगा, तो यहां पे प्रोफेशनल में एक एक नंबर पे रेस होगी, एक एक नंबर पे, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है पूरा का पूरा, कि अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करना है M&A का, वो बात यहां पे है। उसके बाद फिर अगला देखो चैप्टर नंबर 7 कौन सा है, टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्शन, कि अगर तुम M&A कर रहे हो टैक्सेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब टैक्सेशन वाली कौन कौन सी बातें M&A से रिलेटेड हैं, चैप्टर नंबर 7 पूरा उसका है। ये दो चैप्टर कहने को सीआर के हैं बट एक्चुअल में सीआर के नहीं है, मैंने क्या बोला, एक अकाउंट्स का और एक टैक्स का। दूसरा फिर 8 रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन CCI कॉम्पिटिशन एक्ट, कि कॉम्पिटिशन एक्ट का इसमें क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 रेगुलेटरी अप्रूवल, कौन कौन से तुम्हें अप्रूवल चाहिए, CCI की अप्रूवल चाहिए, सेबी की चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की चाहिए, RBI की चाहिए, IRDAI की चाहिए, ठीक है ना, मतलब अलग अलग अथॉरिटीज हैं उनके आपको अप्रूवल चाहिए, किस किस के अप्रूवल चाहिए M&A के लिए, वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 9।
उसके बाद चैप्टर नंबर 10 फास्ट ट्रैक मर्जर। अब ये फास्ट ट्रैक मर्जर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेक्शन नंबर 233 इज फास्ट ट्रैक मर्जर, 230 से लेकर 240, 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर होता है, 233 फास्ट ट्रैक मर्जर होता है। आप देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, पूरे 11 चैप्टर आप देख लो, एक चैप्टर भी एम एंड ए से इधर से उधर नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, पूरे 11 चैप्टर का क्रक्स वही है कि जहां जहां प्रोविजन इससे रिलेटेड होंगे वो सब उठा के इन्होंने डाल दिए, ठीक है जी। तो आपका फास्ट ट्रैक मर्जर जो है आपका चैप्टर नंबर 11 के अंदर है, और फिर एक आएगा क्रॉस बॉर्डर मर्जर। अगर इंटरनेशनल मर्जर हो रहे हैं तो एक मान लो इंडियन कंपनी फॉरेन से मर्ज हो रही है, फॉरेन इंडियन से मर्ज हो रही है, तो कैसे मर्ज होगी, दैट इज सेक्शन नंबर 234 कंपनी एक्ट का चैप्टर नंबर 11 क्रॉस बॉर्डर मर्जर। तो ये 11 चैप्टर हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, ये आपके सीआर के अंदर आ रहे हैं जी, ठीक है। वैल्यूएशन को एक बार छोड़ रहा हूं मैं, अब एक बार आ जाओ आईबीसी में, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहला चैप्टर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, ठीक है जी, बेसिक बातें यहां पे लिखी होंगी। इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, किस केस में हो सकती है, कितनी तरह की इंसॉल्वेंसी होती है, ये बातें आपका पहला चैप्टर है। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब एक बात बताओ आपको ना, मैं यहां पे दिखा रहा था कि मुझे पता नहीं शायद इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, इधर देखो ये जो एनसीएलटी का अप्रूवल है ना, इसमें एक बात मेरे को दिखानी है यहां पे, शायद यहां पे दिया हो। हाँ ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, पढ़ना क्या लिखा है यहां पे, एनसीएलटी एप्लीकेशन वाज मेड बाय आरकैप एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव वाई हु टुक द चार्ज ऑफ कंपनी दिस व्हेन आरबीआई डायरेक्टर इनिशिएट। हाँ अब ध्यान से पढ़ना, कह रहे हैं व्हेन आरबीआई, आगे पढ़ना, व्हेन आरबीआई सप्रेस द अर्नस्ट वाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी। अब ध्यान से बोलना, प्रोसीडिंग इंसॉल्वेंसी की किसने इनिशिएट की है, आरबीआई ने, और अप्रोक्सिमेट कब इनिशिएट की है, सन 2021 की बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, ये मेरा पैसा नहीं चुका रही, तो क्या पैसा मुझे अपने आप मिलेगा या किसी को एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, मतलब उसको बोलना पड़ेगा भाई ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा पैसा दिलवाओ, तो इनिशिएट करना पड़ेगा। तो आपका इंसॉल्वेंसी में जो चैप्टर नंबर 2 हमें डिस्कस करना है, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, कि जो सीआईआरपी है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट मुझे एप्लीकेशन डालनी है तो वो कौन डालेगा, चैप्टर नंबर 2 पूरा स्केच। उसके बाद रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ आईपी आईआरपी आरपी, ये आपका है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, ये आप लोगों के ऊपर चैप्टर बना हुआ है। उसके बाद रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी को हमें टेक ओवर करना है, जैसे मान लो राइंस कौन टेक ओवर कर रहा है, हिंदुजा, तो कैसे रिजोल्व करना है इसको, इक्विटी कितनी देनी है, प्रेफरेंस कितनी देनी है, कैश कितना पे करना है, ये सारी बातें इसके अंदर आनी है जी। उसके बाद कन्विंग द कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, एक सीओसी बनती है, ठीक है, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो वहां पर क्रेडिटर्स की कमेटी बनती है, क्योंकि पैसा लेना किसने है, क्रेडिटर्स ने, तो उसकी कमेटी बनती है, वो बैठ के डिसाइड करती है, ठीक है, तो वो सीओसी कैसे बनती है, उससे रिलेटेड बातें जो हैं आपके चैप्टर नंबर 18 के अंदर है। प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, अब इसके अंदर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है उसको तुमने टेक ओवर करना है, तुम एक प्लान लेकर आओगे, अब प्लान क्या लेकर आओगे, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं कि एक कंपनी मान लो इंसॉल्वेंसी में चली गई और तुम्हें लग रहा है कि वो कंपनी तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंपनी बिकने को तैयार है, बताओ इसे कौन खरीदना चाहता है, इन 5 लोगों ने बोला हम खरीदना चाहते हैं, मैं कहा एक प्लान लेकर आओ, उस प्लान में तुम मुझे क्या बताओगे कि कंपनी तुम कैसे अपने में मर्ज करोगे, इस कंपनी को तुम फ्यूचर में कैसे चलाओगे, इसके क्रेडिटर्स को तुम पेमेंट कैसे करोगे, इसकी एसेट तुम सेल तो नहीं करोगे, तो ये सारी बातें आप किसमें लिखोगे, एक रिजोल्यूशन प्लान में लिखोगे, तो वो सारी बातें आपकी यहां पर आती हैं। फिर एक आता है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मे भी पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा पहले, पीपीआईआरपी, ठीक है जी, पीपीआईआरपी एक कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी के अंदर, वो आपका यहां पर आएगा। देन फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वही अगर मान लो इंडिया से बाहर कोई इंसॉल्वेंसी, मान लो यहां की कंपनी है उसने बाहर से पैसा लिया है और डिफॉल्ट कर दिया, बाहर वालों ने यहां से पैसा लिया है डिफॉल्ट कर दिया, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होगी, तो रिजोल्व कैसे करोगे, वो यहां पर आएगा। फिर लिक्विडेशन, ठीक है, लिक्विडेशन आफ्टर, ध्यान से पढ़ना, आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, वही बात आ गई ना, अगर कंपनी रिजोल्व नहीं हो पा रही अब क्या करना है,
लिक्विडेशन तो कैसे होगा वो यहां पे देखें जी। तो ये सारे चैप्टर जो ऊपर हैं वो किसको हैं, इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के, और अगर वो रिजोल्व नहीं हो पा रही तो फिर क्या करेंगे, अब वाइंडिंग अप लिक्विडेशन। आगे देखो जी, वॉलंटरी लिक्विडेशन, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर है। उसके बाद डीआरटी सारफेसी, शायद थोड़ा बहुत आपने कभी सुना हो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा है, सुना हो, कोई एक डीआरटी एक्ट होता है, एक सारफेसी रिकवरी करने के लिए एक्ट बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, कंपलसरी वाइंडिंग अप, सेक्शन नंबर 271, जो मैंने कहा पांच ग्राउंड्स हैं, छह ग्राउंड से एक इंसॉल्वेंसी में चला गया, पांच इसमें रह गए, वो पांच ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, वाइंड अप, और लास्ट में क्या है, स्ट्राइक ऑफ, नाम खत्म कर देना, नाम बंद कर देना। तो ये सारी बातें आपकी है जी। तो देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है, सीआर का पेपर ना एक ऐसा, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा हुआ होता है, पता नहीं क्या है, बट मेरा मानना ये है अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से पढ़ रहे हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि जब एडवांस टेक्स में पढ़ाता था तो एडवांस टेक्स के अंदर बच्चा आता था ना तो कहता था सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता आपने टेक्स में कभी रिविजन क्लास मेरी देखी होंगी, तो टेक्स भी मुश्किल है बट पढ़ाने का एक तरीका होता है, चीजों को समझाने का, चीजों को समझने का एक तरीका है। अगर उस वे में समझोगे, मैं कह रहा हूं मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है सर, अगर मुश्किल है तो लोग इसमें काम तो कर रहे हैं ना, समझ गए कर रहे हैं ना, तो हमने भी समझना ही है। तो अगर हर एक चीज को बेयर लो से शिद्दत से समझ के चलोगे तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये पूरा सिलेबस आपका है जो हमें पढ़ना है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपका आईबीसी स्टार्ट कराऊंगा, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बाकी हाँ ठीक है, ठीक है जी। बाकी जो है आपने नोटबुक बस लेके आनी है, और बुक्स आपको जैसे एडमिशन होगा बुक्स आपको मिल जाएंगी, और बेयर बस आपको मेरी क्लास में आईबीसी के जब बुक्स मिलेंगी बेयर एक्ट लेके आना आपको बस, ठीक है। बेयर एक्ट साथ में लेके आना है, वैसे मैं यहाँ भी खोल के दिखाऊंगा, बेयर एक्ट आपको मिलेगा, मैं ही दूंगा हार्ड कॉपी, क्योंकि आप पता नहीं निकलवाओगे नहीं निकलवाओगे, तो मैं आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा निकलवा के, तो आपके हाथ में वो होगा, उसमें हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर मैं नोट्स उसके बनवाऊंगा जी आपको, ठीक है। ये पूरा आप कोई डाउट हो पूछ सकते हो जी, किसी भी तरह का डाउट मन में आ रहा हो, डाउट तो आता ही नहीं तुम्हारे, ये कुछ वैसे ही मन में आ रहा होगी सर कैसे, कुछ ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, ये तो क्लियर है, दोनों ग्रुप देने हैं सबने, दोनों देने हैं, एक देने हैं, दोनों देने हैं, किस किस ने दोनों देने एक बार हैंडस करना, सबने दोनों देने हैं। चलो एग्जीक्यूटिव में वैसे आपने एक दिया था, दो दिए थे, दोनों दिए थे, निकाले दोनों एक साथ हैं, अलग अलग निकले हैं, एक साथ निकालते हैं, हाँ फिर तो ठीक है। देखो अगर एक साथ निकले हैं, फिर अगर अलग अलग भी निकले हैं, प्रोफेशनल में आपने दोनों ही देने हैं जी, प्रोफेशनल में एक का मतलब ही नहीं है। बट दो तीन बात मैं तुम्हें बताऊंगा क्लास ओवर करने से पहले, देखो प्रोफेशनल के अंदर ना मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, शायद तुम्हें चुभ सकती है मेरी बातें, और मुझे कोई इशू भी नहीं है कि अगर अगर चुभ भी रही है तो मुझे कोई इतना वो नहीं पड़ता। प्रोफेशनल के अंदर बच्चे का एटीट्यूड लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है, और एटीट्यूड लेवल अलग का मतलब क्या है, उसको लगता है कि मुझे तो सब पता है, अब कि मैं प्रोफेशनल में आ चुका हूं तो मुझे समझाने वाला कौन, तो वो ना समझना थोड़ा सा कम कर देता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको प्रोफेशनल फर्स्ट शॉट के अंदर निकालनी है कुछ बातें जो आपको पहले दिन से ही लेके चलनी है, सबसे पहली बात क्लासेस जो आपकी चल रही हैं उसको डेली बेस पे रिवाइज करना, और सबसे मेन बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, 100% टीचर पे डिपेंडेंसी इज इक्वल टू फेल इन सीएस प्रोफेशनल, 100% टीचर पे डिपेंडेंसी इज इक्वल टू फेल इन सीएस प्रोफेशनल। वो एग्जीक्यूटिव वाले हरकतें बंद करनी पड़ेंगी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो क्लास में कर लिया बस वो ही नहीं है, घर जाके लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी करना, अपने आप को रिवाइज करना, डेली बेस पर रिवीजन करना। अब तुम बच्चे, अब तुम्हें ना कोई बच्चों की तरह समझाएगा नहीं, समझो मेरी बात, प्रोफेशनल के अंदर बच्चा फेल ही इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है, तो आपको कोई आके टोकेगा भी नहीं क्योंकि उसको पता तुम प्रोफेशनल में हो, क्लास खत्म हुई घर जाके डेली क्लास रिवाइज करो, ठीक है ना। आपको खुद खुद आपको पता होना चाहिए कि मेरे इतने चैप्टर हो चुके हैं, इतने चैप्टर की मुझे रिवीजन करनी है, इस तरह से मुझे प्लान करना है, साथ साथ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूं, लिख रही हूं, ये बातें आपकी डेली बेस पे चलनी चाहिए। और एक बार मैंने इस बार बच्चों को बोला भी है, प्रोफेशनल में
25 रैंक के भी नहीं आ पा रहे पूरे। मैंने अभी वीडियो बना के डाली यूट्यूब पे, सीए वालों के 50 रैंक आते हैं, पता आपको, उनके 50 रैंक में 70-80 बच्चे हैं। 50 रैंक में कैसे हो रहे हैं वो, एक रैंक में दो दो, ठीक है। सीएमए के 50 रैंक आते हैं, उसके 50 रैंक में पूरे 50 बच्चे आ रहे हैं। हमारे 25 रैंक आते हैं, हमारे 25 भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उसका सबसे पहला रीजन कि बच्चा 55% नंबर नहीं ले पा रहा। पास हो रहे हैं बच्चे, पास 10 बच्चों के रैंक है तो 10 बच्चे पास नहीं है, पास ज्यादा है, बट बच्चा दोनों ग्रुप देने के बाद 55% नंबर नहीं ले पा रहा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं तुम्हें, मैं टारगेट क्या दे रहा हूं, 25 सीट है रैंक की, 8 भरी हुई है, बस 8 भरी है, 17 सीट खाली पड़ी है और उसमें तुम आ सकते हो। और करना क्या है, दो ग्रुप देने हैं, 55% भी नंबर लेकर आ गए, सीट पे तुम बैठ जाओगे, क्योंकि 25 से पूरे नहीं आ रहे ना। कंपटीशन कब होता है? सर रैंक लेना चाहती हूं, सर 25 रैंक हर बार आ रहे हैं, बताओ क्या करूं? अब तो टारगेट तुम्हारे सामने है, टारगेट नंबर 1 बोथ ग्रुप देना, टारगेट नंबर 2 55% से ऊपर अच्छे से नंबर लेके आने, रैंक आपका तैयार। और जहां रैंक तुम्हारे रिज्यूम में आ गया, तुम्हें खुद पता है पैकेज कितना बढ़िया होता है। तो तुम्हें आज पहले दिन ही मैं टारगेट दे रहा हूं तुम्हें, ये विजन तुम लेके चलना कि मुझे दो ग्रुप देने हैं और वो शिद्दत से देने हैं और मुझे टारगेट बढ़िया से लेके चलना है। और जहां आपका रैंक आ गया, बिलीव में आपकी लाइफ बन जाएगी। और रैंक की सीट्स खाली पड़ी हैं सीएस के प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों में 25 रैंक नहीं आ रहे, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस खाली सीट के ऊपर बैठने की, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है कि मुझे इस तरह से प्लान करना है कि मेरा रैंक आए और उसकी तैयारी आपको करके चलनी है, ठीक है। और बाकी हम क्लास के अंदर पूरी मेहनत करेंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। जो आपको एग्जीक्यूटिव में टैक्स में मजा आया, उसे डबल मजा आपको इसके अंदर आएगा। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, जब जब आपके चैप्टर खत्म होंगे आप खुद थैंक यू बोलोगे, सर वाकई हमें लो पढ़ने के अंदर मजा आ रहा है कि बेयर लो। देखो मेरा मानना यह है, लो एक ही होता है, चाहे वो टैक्स का लो हो, चाहे वो कंपनी लो हो, चाहे वो आईबीसी हो, एक्ट तो सेम ही है, इंटरप्रिटेशन की बात है बस, ठीक है जी। तो वो इंटरप्रिटेशन का टेंशन मत लो, एक एक प्रोविजन को इतने बढ़िया से एनालाइज करेंगे आप घर जाके फील करोगे कि आपने कुछ पढ़ा है बस, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे परसों वाली क्लास में। टाइमिंग आपको बता दी होगी अरुण सर ने, टाइमिंग वैसे अरुण सर की है 9 से 11, मेरी 11:30 से 1:30 तक होती है, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग वाली 2-3 क्लास जो है हमारी 1.5 घंटे की होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी क्लास वही 2-2 घंटे की स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, तो फिर बाकी मिलते हैं हम अपना परसों वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम मतलब 11:15 बजे सेम जगह। और लाइव वाले बच्चों को थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखना, आज अगर आपने एग्जीक्यूटिव में मुझसे क्लास ली, हम क्लास के स्टार्टिंग में प्रार्थना करते हैं, आज हम प्रार्थना करना भूल गए तो मुझे बुरा लगा थोड़ा सा, बट नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बचपन में अपने की होगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो वो 2-3 लाइनें हम बोलते हैं, देन फिर अपनी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। एंड में हम जय हिंद बोलेंगे, और जय हिंद खड़े होकर बोलना है सबने, क्योंकि जय हिंद आप मेरे लिए नहीं बोलते, जय हिंद देश के उन जवानों के लिए बोलते हैं जो वहां पर हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी, बाय बाय जी। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आके पूछ सकते हैं जी, किसी भी तरह के मन में कोई शंका विचार डाउट्स कुछ भी आ रहे हो। एप्लीकेशन पे लेक्चर 2-3 क्लास के बाद स्टार्ट होंगे जी, एक सेकेंड।